गॉड ऑफ क्रिकेटर यानी कि सचिन तेंदुलकर जी ने जिसकी तारीफ की, ऐसा शख्स और मेरे नजर में हर फन मौला क्रिकेटर से बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग, और क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से, और हमारे आज के प्रायोजक है न्यूट्रीजी। तो मैं विशाल माड़िक को क्रिकेट ग्राफ की तरफ से बधाई देता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे से बात कर रहे ये हो और आपका मेरे लिए एक्सपीरियंस शेयर खुश करोगे, पक्का आपका एक्सपीरियंस धन्यवाद। शेयर करोगे आप हमें, क्योंकि सचिन जैसा बंदा, अगर इतना बड़ा महान व्यक्ति जो आपकी तारीफ करता है, जो जिसने 500 रणजी ट्रॉफी मैच के समय समारोह में इतने पब्लिक के सामने आपका नाम लिया, तो ये तो इससे बड़ा ऑनर और हो ही नहीं सकता विशाल। तो इज हैट्स ऑफ यू, और क्रिकेट ग्राफ के तरफ से भी हम लोग आपको बधाई देते हैं। तो आइए बात करते हैं विशाल से। विशाल का पेट नेम है बंटी, तो मैं विशाल से बात करूं या बंटी से बात करूं? सर जी, आपको तो दोनों ही पसंद है, तो आपका आपका बिल्कुल, दिल जो क्या उससे बात कीजिए। क्योंकि क्योंकि विशाल को लोग ज्यादा बंटी के नाम से जानते हैं, सही बात है ना? हाँ, यस तो मैं बंटी नाम को, आपका पेट पक्का नेम बंटी पे जो है वही मैं यूज करना चाहता हूँ। पक्का पक्का पक्का। हाँ, बंटी, तो मैं पहला सवाल ये करता हूँ आपको कि आपका क्रिकेट कैसा स्टार्ट हुआ, कहाँ से, कब से और कैसे? जनाब सर, आपको तो पता है कि मैं चेंबूर में आरसीएफ कॉलोनी में रहता हूँ ना। मेरे पिताजी आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में सर्विस करते थे, तो वहाँ पे वो जो कॉलोनी थी, आप वहाँ आए भी है, आप खेले भी है, तो वहाँ पे जैसे आम बच्चों का जैसे चालू होता है क्रिकेट, यू नो, जैसे रबर बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वैसे हम भी वैसी शुरुआत की, वैसे ही खेलते थे। बिल्डिंग एक अच्छी थी उस टाइम, गवर्नमेंट कंपनी में हर चार बिल्डिंग के बीच में एक ग्राउंड हुआ करता था, तो वही अपना चलो बल्ला लिए खेलते रहे, बस रबर बॉल खेलते थे, निकल जाते थे, तो बस वैसे शुरुआत हुई। और एक उस कॉलोनी की खासियत ऐसी थी, जो कॉलोनी में स्पोर्ट्समैन लोग भी बहुत रहते थे, हर स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल, क्रिकेटर, वॉलीबॉल, फिर तुम्हारी कबड्डी, बैडमिंटन, यू नो, टेबल टेनिस, ऐसे जी स्पोर्ट्स भी बहुत बढ़िया था वहाँ पे। और वहाँ पे हम जब थे वहाँ पे, तो एक अच्छा ये था कि आरसीबी क्रिकेट टीम बहुत बड़ी थी, बड़े दिग्गज सब प्लेयर होते थे, हम हमें जी नाम इतना कभी पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम जब छोटे थे तो हम सर करके ही सभी को पुकारते थे, आज भी वही है, हम सर करके ही बोलते हैं बहुत सारे लोगों को। तो हम आरसीएफ में मैच होती थी, एक हमारे एक नसीब था कि आरसीएफ में ए डिवीजन के मैचेस होते थे, जो कॉर्पोरेट शील्ड, जो टाइम शील्ड, जो बैंक शील्ड, आप लोग खेलते थे, तो आप लोग जैसे प्लेयर वहां आते थे, तो हम देखने चले जाते थे। और तभी से बस एक तो बड़ा नाम था, जो आज मैं, आप, ये जो मेरे भाग्य है कि आपने क्रिकेट का, आपने मुझे यहाँ बुला के जो मेरा इंटरव्यू ले रहे, इसका ये पूरा श्रेय जो मुझे इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट का जो मुझे एक इसमें जो पदार्पण करा है, जो मेरे जो जी जिसने मुझे लाया, वो बलवीर सिंह संधू सर है, जिसको आप और हम सब प्यार से बल्लू सर कहते हैं, उनका बल्ले बहुत बड़ा योगदान है नेचुरली, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे आरसीएफ में जो इंटरनेशनल खेले थे, और 83 वर्ल्ड कप के भी बड़े बेहतरीन उनका यादें है। तो हम मैं जहाँ जिस बिल्डिंग में रहता था, तो हमारे जी बिल्डिंग के नेबर थे सैयद नकवी करके, वो ओके, आरसीएफ के लिए खेलते थे, वो आपको भी याद रहेगा, वो जिनको लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, भाई जिनको भाईजान भाई साहब करके बुलाते जान, थे भाई साहब, भाई साहब करके बुलाते, तो वो हमारे नेबर थे, बाजू में रहते थे, तो हम क्या टेनिस बात है खेलते थे, वो कभी कभार खेलने को आते थे, वो मुझे जी देखते थे कभी कभार, बोले जी बेटा इधर आ, तू फास्ट बॉलिंग देखता हूँ मैं, तू डालता है रबर बॉल, टेनिस बॉल से, वो प्रैक्टिस में खेलते थे जी हमारे ग्राउंड पे। तो बोला, तो कभी कभार वो भी, एक गैरेज है हमारे यहाँ पे, घर के सामने गैरेज था, उस हमें जी पता है, हम जैसे जो खेलने वाले रहते हैं उनको विकेट की जरूरत नहीं पड़ती, दीवार में चौक से लगा दिए, तीन स्टंप बना दिए और क्या बैटिंग के लिए बात है, बैट्समैन तैयार हो क्या जाते बात, थे, क्या ये बात सब है वो नेचुरल था, और ये एक एक, एक मजा था। तो जी हम वो चौक करके तीन स्टंप थे, तो वो बैटिंग करते थे, वो मुझे बोलते थे हमेशा मुझे बॉलिंग डालो, तो मैं, मेरा एक पैशन था, मुझे अच्छा लगता था भाग के आके बॉलिंग करना, इवन आज भी मैं वैसे ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, चाहे बॉल आज पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन जो छाप बनी हुई है कि भाग के आके बॉलिंग करने की, वो मैं हमेशा रहूंगा, मेरी एक आदत है। तो मैं बॉलिंग करता था उनको, तो उन्होंने मुझे बोला, अरे तू अच्छा डालता है बॉलिंग, तू एक काम कर, हमारी प्रैक्टिस होती है आरसीएफ में, मैं तुझे कल ले जाऊंगा। मैं बोला, साला कौन सी प्रैक्टिस होती है इनकी, क्या मालूम, बोला जाएंगे चलो। बोला सर ओके,
सर हाँ, तभी हम हमें कॉलोनी में, आपको पता है कॉलोनी में जरा भाषा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, साफ बिल्कुल उर्दू हमें भी आती नहीं। तो मैं बोला हाँ ठीक है मैं कल खड़ा रहता हूँ, तो हमेशा टोकते थे, बेटा आप बोल के बोला, मैं आप बोल के बिल्कुल बोला। हाँ तो मैं भी बोला बोला सॉरी सर। तो नेक्स्ट डे मेरे को लेके गए ग्राउंड पे, आर से ग्राउंड पे लेके गए, तो वो तो ड्रीम कम ट्रू होता है ना, वहां पे रहने के बाद भी आपको उस विकेटों पे खेलने के लिए मिलता है। वहां लेके गए मुझे संधू सर, उनको बोला कि ये लड़का अच्छा बॉलिंग डालता है जरा इसको देखो, बिल्कुल और वो बोला ठीक है ठीक है। तो उसने पहला पूछा भागते हो कि नहीं, मतलब रनिंग करते हो कि नहीं, बोला हाँ करता हूँ खेलते रहता हूँ, बोला क्लब में आते कहीं भी हम ऐसे भागते रहते, तो उनकी फिटनेस होती थी। और उस बीच एक अच्छा था कि हमें ऐसा फास्ट, मैं फास्ट बॉलिंग तो डालता था रबर बॉल में, उस टाइम मार्गदर्शन भी एक अच्छा मिला, ऑस्टिन कुटिनो सर भी उस टाइम आरसीएफ को खेलते थे क्या बात है, क्या बात है, याद रहेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बल्लू सर थे और ऑस्टिन गुडविन सर थे उस टाइम, वो फास्ट बॉलिंग करते, बोला यार हम देखते थे बाहर से, इनको बोला यार ये तो साला बहुत बड़े बॉलर है, अगर इनके बीच रहा तो जरूर कुछ ना कुछ तो हमें भी सीखने को मिलेगा। तो वैसे करते करते शुरुआत हो गई, बल्लू सर ने नेट्स पे हमें क्या नया बॉल तो मिलता नहीं था, तभी आरसी की पूरी टीम बैटिंग करती थी, बॉलर्स भी तभी उनके पास थे सब आरसी के लिए खेलने वाले, तो ये लोग डालने के बाद फिर कभी कभी बैट्समैन बच गया तो मेरे को बोलते ये ले बॉल ले, तो बस बॉल मिलना ही बहुत बड़ा चीज था। हमें ये नहीं बिल्कुल पता था कि बॉल नया है पुराना है क्या फटा है, बस बॉल मिल गया बॉलिंग कर लिए, मेरा तो ऐसा हिसाब था। तो बस डालते थे बॉलिंग डालते थे आके, और पता नहीं लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी एक गिफ्टेड होते हैं प्लेयर, चाहे बैट्समैन हो बॉलर बिल्कुल हो या फील्डर हो, थोड़ा बहुत शायद मैं भी हो गया इनबॉर्न में थोड़ा सा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी टेनिस बॉल खेलते थे तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग डालते थे, फिर मेरे जो बीच वाले भाई थे वो भी फास्ट बॉलिंग डालते थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी थी कि वो 2 कदम में पेस डालते थे, जैसे आज क्या मलिंगा बात दिखता है, है हमें साइड, जो राउंड आर्म, साइड आर्म नहीं बोल सकते हम उसको, राउंड आर्म, तो वो 2 स्टेप में राउंड जी आर्म डाल के जोर से डालता था, बड़ा भाई था वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, तो शायद मैं भी वो ब्लड में रहा कि उनको देखता था डालते बिल्कुल हो, तो शायद वो बोलते ना ऑटोमेटिकली वो जीन्स में आ जाता है, मतलब जींस आ गया बॉलिंग भाग के आपके। डालता। हाँ और उस बीच ऐसा बॉलिंग करते करते बल्लू सर और ऑस्टिन कुटियो सर का बहुत हमें फायदा हो गया, और खास जी करके बल्लू सर के पास खड़ा रहना ही उस टाइम ना इंटरनेशनल प्लेयर है, इतने बड़े बिल्कुल औजार के प्लेयर है, तो ये ड्रीम कम ट्रू ही हो गया। तो मैं ज्यादा ऑस्टिन कुटियो सर के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाता था बात करने में, क्योंकि थोड़ा उनसे ओके फ्री बात करने के एक मजा आता था, तो उनके पास किताबें होती थी फास्ट बॉलिंग की, आर्ट जी ऑफ फास्ट बॉलिंग ना ये सब किताबें, वो उनको एक उनका एक आदत थी, उनको पढ़ने का बड़ा शौक है, और इज अ वेरी ब्रिलियंट मैन ऑल्सो, तो कभी कुछ बुक उनके पास होती थी आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, डेनिस लिली हो बॉब विलिस हो, तो हमें तो कुछ पता नहीं था, टीवी में इतना कुछ आता नहीं था, तो बस ये उनसे उनके घर जाते थे तो उनको बोलते, तो वो बता देते कि फास्ट बॉलिंग में सब भागना स्प्रिंटिंग ना ये सब, बल्लू भी यही बोलते थे कि एक रनर आपको बहुत शारीरिक अच्छा होना चाहिए, आपको फास्ट बॉलिंग आपके पास स्टेमिना चाहिए ताकत चाहिए, तो ऐसा करते करते इनका लाभ हो गया, और वहां फिर काफी अच्छे अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, चंदन गुप्ते थे शेंडे थे, तो ये लोग नेट्स में बैटिंग के पहले इनको नॉकिंग बोलते हैं नॉक, जैसे आज तो मुझे पता नहीं जी कितने बच्चे लोग अपने अपने बैट्समैन को नॉक के लिए बॉल डालते हैं, मुझे मालूम नहीं है आज की तारीख में, पर हम तभी वो बोलते थे बेटा जरा बॉल डाल, तो वो देखते थे उनको, तो हम दिमाग में एक होता था यार इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन है साला, अगर ये इनको एक बॉल भी बीट किया तो कितना बड़ा बात होगा, बड़ी बात, विकेट तो छोड़ दो एक बॉल बीट भी किया तो ऐसे लगेगा कि ये जो हमें सिखा रहे इसका कुछ तो फायदा होगा मुझे, तो बस वहीं से शुरुआत थी आरसीएफ की जर्नी, बल्लू सर थे, फिर डांट भी बहुत खाई बल्लू सर की, क्योंकि क्या है ये पता नहीं था कि जब सीजन चालू करते हो तो टेनिस भी नहीं खेलना है, तो टेनिस भी बीच बीच में जाते खेलते थे, फिर उनको पता चलता था, फिर थोड़ा डांटते भी थे अरे तू सीजन खेलता है फिर टेनिस भी खेलता है, तो कभी ये नहीं बोला कि टेनिस खेलने से ये खराब होता है, अगर तो बोले कि एक में ही तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है, पर दिमाग में बिल्कुल ये होता था कि सारा बाकी सब बच्चे टेनिस खेल रहे असल मैं ऐसा दूर हूँ, एक होता ना एक अपना बचपना बचपन के दोस्त वगैरह तो बिल्कुल अटैच, बिल्कुल बस मैं ऐसे करते करते मुझे याद है ऑस्टिन और बल्लू सर लोग मैच खेल रहे थे जी। मैं मैं डीपी रहे। थोड़ा मैं इधर रुकना चाहूंगा हाँ विशाल। हाँ बल्लो सर तो ग्रेट, सवाल ही नहीं है। वर्ल्ड कप 1983 के तो उनका जो बॉल, जो हॉल ऑफ फेम बोलते, जो गॉर्डन ग्रीनिच का जो बोल,
ग्रेट, उनको नमस्ते, उनको सर को मेरा। और ऑस्टिन सर के बारे में बात करना चाहूंगा, यहाँ पब्लिक को जानकारी दूंगा कि ऑस्टिन सर इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन एंड डाउन टू अर्थ, और इज अ वेरी गुड कार्टूनिस्ट। मेरे ख्याल से हर प्लेयर का देखो कुछ भी रहेगा तो उनका एक कार्टून उन सर का आता है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर यस सर का फैमिली बैकग्राउंड में देखो तो सर काफी ऊंचे फैमिली से और हाईली क्वालिफाइड है, और उन्होंने उसका अपना ज्ञान आज भी बांटते, आज भी अपना ज्ञान ही देते हैं सर। और सर को भी मेरा नमस्ते, ऑस्टिन सर को, तो दोनों महान सरों के साथ में, और तीसरे हमारे भाई साहब इनका ना जलाल भाई, जलाल सर, इनका एक ग्रेटनेस था ये किन लोगों का, ये कुछ आपके लिए मुझे देखो उस टाइम जब हम खेलते ना हमें कुछ पता नहीं रहता कि हमारे लिए आपने क्या किया, इसने क्या किया, ये कुछ पता नहीं रहता हमें जब तक हम मैच्योर नहीं होते, जब तक खेलते नहीं है, फिर बहुत सालों के बाद ऐसा पता चलता है ना कि भाई आप जब अच्छे ओवरों में जाते हो तब की कोई ना कोई बोलते कि अरे भाई होता है कि रिकमेंडेशन होते एक प्लेयर, ये हमें पता नहीं रहता कि कौन हमें करता है। तो इनका ये सब ग्रेटनेस है, ये कभी बोलते नहीं थे कि मैंने जलाल सर को बोला या इसको बोला कि इसको ले ले या उसको ले ले, तो ये बार बार में हमें पता चलता है। तो ये चीज इनमें ये शायद ये इनके आप में ये ग्रेटनेस थे, लोग ऑस्टिन सर हो, भाई साहब हो, जो बल्लू हो, और भी काफी लोग वहां पे थे, गुप्ते सर थे, पंकज चंदन गुप्ते, नरेश चुरी सर थे, नरेश चुरी भी आरसीएफ के, बिल्कुल जो मुझे इंट्रोड्यूस कराया आचार्य सर के पास, उसके अंदर जाता था प्रैक्टिस को, नरेश चुरी सर का बहुत बड़ा ये था कि बोला तू अरे बॉलिंग इधर भी डालता है, दोपहर को क्या करता है, बोला कुछ नहीं वहां चलो चलो। तो वैसे वो बोलते हैं क्रिकेट की ऐसे आप रह रहे के आपको और रास्ते भी हल्दू हल्दू ऐसा बनते बनते गए, रास्ते आपके बनते गए, बनते गए रास्ते, और बस। और मैंने तो हमेशा आपको तो काफी पता है मेरे बारे में भी, मैं ऐसा है ना कि मैं हमेशा सबसे सीखते रहता हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यही यही है या वो है, जो आपको बताया वो आपके लिए गुरु जैसे हो। तो ये बिल्कुल 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 मैं कभी बोलता नहीं है कि ये मेरा वो है, वो मेरा गुरु है, क्यों मैं कहता है मेरा नेचर आपको मालूम है कि नेचर भी कैसा है कि एक एक टैग गिर गया ना, ये तो हंसी मजाक वाला बनता है यार। नहीं नहीं बट आज आपको ये इस माध्यम से बात करने का मौका भी मिल गया, आपके गुरु लोगों को याद करने का मौका मिल गया, शायद वो भी सुनेंगे आपको तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि नहीं यार देखो क्या होता है, गुरु महान होता है कभी भी, तो उसको याद करना। और जब भी हम लोग देखो कितने भी बड़े हो जाए प्लेयर, बट जब बेसिक का सवाल आता तो अपने गुरु के पास आपको जाना होता है, ये तो हर सो आप और आज आप नाम ले रहे हो उनकी, ये भी बड़ी बात है, और उनको भी इस बात का गौरव हो जाएगा कि नहीं यार विशाल को हम लोग बच्चों को हमने ये किए, और बाकायदा पब्लिक के सामने हम लोग को हाईलाइट कर रहा है, और उनको वैसे भी उनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने इसमें मान हो बड़े है कि बहुत बड़े हम बोले नहीं बोलने से भी कुछ फर्क नहीं, क्योंकि उनके धारणा में उन्होंने बहुत सारे अच्छे किए है, वो हमेशा दिखाई देगा लोगों की तरफ, सहन करने की जरूरत नहीं थी कि इस आदमी ने ऐसा किया, वो लोगों को पता रहता है उनकी, मैं इसलिए बोला उनकी यही ग्रेटनेस थी ना, ये बंदो लोग ने कभी बोला नहीं कि मैं तेरे लिए ये किया या मैं तेरे लिए हो गया, कभी उस टाइम पता नहीं था, हम यंग थे और ऐसे बैकग्राउंड से भी हम आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, कि अभी बड़े बड़े बच्चे लोग बड़े बड़े कंप्लेंट करते कि यार मेरा सिचुएशन ऐसा था, मेरे पास ताकत नहीं थी खेलने की, हमारा फैमिली प्रॉब्लम था ये था। अभी ऐसा आप देखोगे हर स्पोर्ट्स में बंदे ऐसे ही बने हुए, हर चीज से प्रॉब्लम थी, कि हमने कभी जाहिर नहीं किया कि हम कौन से बैकग्राउंड से थे, खाना अच्छा मिलता था, सब कुछ था अच्छा मिलता, इसका ये नहीं कि सब कुछ मिल गया ना, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर भी कितना अच्छा और शांत चाहिए, तो हमने वो सब माहौल देख लिए, पर कभी रिग्रेट नहीं है कि हमको अच्छे, हमें अच्छा ही सब कुछ मिला, हमें सबसे बड़ा चीज मिली जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली मेरे जीवन में वो था आरसीएफ का ग्राउंड। बिल्कुल, हमें ऐसा लगा कि घर में कुछ ऐसा है या बाहर कुछ ऐसा है, हम तुरंत भाग के चले जाते थे रनिंग करने, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है भागो खेलो बस, ये था, ये चीज बढ़िया थी उसमें। और जो लोग कहते ना कि आपको कुछ है, मुझे बहुत सारे है, मैं देखा मेरे पास भी आते बच्चे लोग, नहीं यार सर मेरे को बहुत, मतलब क्या टेंशन है, बोले टेंशन क्या लेने का, टेंशन आ गया निकल जा ग्राउंड पे कहीं है, भाग रनिंग कर अपना, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तेरा पैशन है, जो जिससे प्यार मोहब्बत है, जाओ चालू कर, ऐसा टेंशन था। आप भी तो क्रिकेट खेले, आपको भी कितनी बधाई आई रहेंगी, पर आपने कभी जायम नहीं किया, तो हर चीज में ये सब आती है, ये आती रहेगी, और ये लाइफ का एक फंडा है, चाहे आप महल में रहो या झोपड़े में रहो,
संघर्ष सबको करना है। बिल्कुल सही सही। विशाल आप वो माटुंगा जिमखाना की बात कर रहे थे, शायद मैंने वहां रोक दिया आपको। सॉरी, तो माटुंगा में हम मैच खेले थे और मैच ही डीपीजेड के, तो भालेराव सर वगैरह वो लोग वो अपोनेंट में थे, मंगेश भालेराव उनकी टीम थी और बल्लू सर भी थे, ऑस्टिन सर भी थे, हमारी टीम थी आरसीएफ की। वो मैच हम हार गए 2-3 रन से, तो उस टाइम ऑस्टिन सर बल्लू सर बॉलिंग डाले थे, मैं बॉलिंग भी कर रहा था। तो शायद एक होता ना कि एक फास्ट बॉलर को, मतलब अभी समझो मैं बॉलिंग कर रहा हूँ मजा नहीं आ रहा है, तो ऑस्टिन सर ने कुछ छेड़ दिया था मुझे उस टाइम, बोला अरे क्या तेरा बॉल नहीं पहुंच रहा, मैं तेरे आधे उम्र का इंसान हूँ, तेरा बॉल नहीं पहुंच रहा है, तुम फास्ट बॉलिंग करना चाहते हो। तो एक होता है आदमी रिएक्ट नहीं करता है, तो वो ये बंदों का एक चीज बहुत ग्रेटनेस था, ऑस्टिन सर इनका, बल्लू ये लोग का, ऐसे बंदों का ना, मैं आपको इनका एक चीज बताऊंगा, इनको मालूम था किससे कैसा निकालना है। बिल्कुल, उनमें वो नहीं था कि इसको ऐसा बोल के इसका डिमोरलाइज नहीं, इनको मानते इसको ये बोलेगा तो ये कुछ कुछ कर देगा, बस उनका वो बोलना था। और उसके बाद जो मैंने वो जो पुराना बॉल था और जो मैंने बॉलिंग की है, मतलब मैं कभी अपने बारे में कभी किसी को बोलता नहीं हूँ क्या बॉलिंग डालता, जो आपको पता है, पर मैंने वो बॉलिंग किया, मेरे को सब आके हम हार गए 3-4 रन से, बाद में ऑस्टिन सर बल्लू सर भी आए, ऑस्टिन सर भी ये है तेरी बॉलिंग, इसको बोलते है दैट इज कॉल्ड स्पीड, और ये ना मैं 4-5 विकेट 5-6 विकेट निकाले। और उसके बाद शायद मुझे लगता है उसके बाद मैं कंटिन्यू उसके बाद मैचेस खेलते गया और मैं हर मैच में 5 विकेट 6 विकेट, ये मेरा एक मेरा रूटीन बन गया था। मुझे याद है नशा वगैरह, मुझे 5 का पाड़ा बोलते थे बोलते, जब भी कभी ग्राउंड पे गया तो बोलते अरे 5 का पाड़ा आ गया, तो पहले इतना पता नहीं चलता था ये क्या है, क्योंकि सीनियर के सामने हम हमेशा थोड़ा शर्माते, यू नो, मतलब थोड़ा ओपन आउट होने के लिए हम शर्माते, तब मुझे पता चलता था, तो बोला अरे ये 5 का पाड़ा बोलता। और मेरा वो रूटीन हो गया था कि मैं हमेशा, मैं सभी को बोलता हूँ आज भी, इवन मैं भी आज भी, इफ देयर इज नो पर्पस इन योर लाइफ, आप सवेरे जाते हो नेट्स में बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, या प्रैक्टिस में या मैच में, अगर आपका पर्पस नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा, देयर शुड बी अ पर्पस व्हाट एवर यू आर डूइंग। अगर पर्पस नहीं है, आपने बस बुला लिया मुझे, जलाल सर ने बोला बंटी आ जा प्रैक्टिस को, मैं चले गया, खत्म हो गया, निकल गया, नहीं क्यों बुलाया मुझे, व्हाट इज द पर्पस, कि कुछ तो मेरे में देखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आपको केंद्रित करना है, तो मुझे कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना है या मुझे कुछ अच्छा दिखाना है, तो ये होना चाहिए। तो बस ऑस्टिन सर का उधर बोलना और उधर से जो थोड़ा सा बोलते ना, जो एक को जैसे आज बोलते लोग जादू की झप्पी हो या प्यार की छड़ी हो, तो शायद प्यार की छड़ी थी मेरे लिए, कि क्या तू, मैं तेरी आधी उम्र का हूँ, मैं तेरे से फास्ट डालता हूँ और तेरा बॉल नहीं पहुंच रहे, बस वो एक वो क्लिक होना इधर, बस उसके बाद एक लग गया, नहीं जो है वो सच है, क्योंकि काफी सीनियर है हमसे, हो उनका तो था ही वो सब चीज, नो नहीं, वो छड़ी जो लगी सीधा 5 का पाड़ा आपको, 5 का पाड़ा। और उसके बाद मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं जब भी जाता मैच में, चाहे प्रैक्टिस विकेट प्रैक्टिस मैच हो या टूर्नामेंट हो, आई यूज्ड टू एंजॉय बॉलिंग, मुझे बॉलिंग, मैंने कभी किसी चीज में दिक्कत नहीं की कि मुझे कप्तान ये एंड चाहिए या वो एंड चाहिए, ये घास वाली विकेट है या मट्टी, मैंने कभी ये चीज का, ये आज तक मेरे जिंदगी में, मैं जिधर जिधर खेला हूँ, मैं कभी आज तक बोला नहीं किसी को, क्योंकि मुझे एक पता था कि आई एम इंडियन, इंडिया में हम रहते हैं, हमारे पास घास नहीं है विकेटों पे, वी वर नोन एज अ स्पिनर पैराडाइज, हमारे इंडिया के जो स्पिनर थे बहुत बड़े दिग्गज थे, तब यहाँ पे यही पे कपिल देव सर ने अपनी शुरुआत की, यही पे उन्होंने विकेट निकाली, अगर वो कर सकते तो हमें क्यों रोना है ना। आज की तारीख में बहुत जन रोते हैं, अरे विकेट में घास नहीं है, बाउंस नहीं है, स्पीड नहीं है, भाई हमें ये सब चीज मालूम ही था, हमें एक था एक पागलपन था, हमें फास्ट बॉलिंग का, बॉलिंग डालनी, एक नशा था बोलते ना, एक प्यार था फास्ट बॉलिंग, जब इनको देखते थे आरसीएफ वालों को, बल्लू ऑस्टिन ये सब थे, सावे भी ये सब बड़े बड़े लोग आज सीनियर थे, इनको जब देखते थे ये डालते है, बोला तो यार हमें भी तो करने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो ये चीज था, बस वो शुरुआत थी और वो ऑस्टिन सर की वो छड़ी वो काम आ गई और बस उसके बाद चलते गए बस और आगे बढ़ते गए। तो एक है माटुंगा जिमखाना जो आप वो मैच खेले, उसके बाद में आपका क्रिकेट बहुत काफी चेंज हो गया, यानी कि आपको पंजा करके या 5 विकेट 5 आला जो भी मराठी में लैंग्वेज में आपको ये करना जरूर है, तो स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट का कैसा रहा आपका?
मेरे जो स्कूल था सेंट सेबेस्टियन, वहां पे क्रिकेट था नहीं, तो वहां पे फुटबॉल होता था और स्पोर्ट्स ज्यादा होता था, रनिंग वगैरह। तो स्कूल क्रिकेट ना कॉलेज क्रिकेट कुछ खेला नहीं मैं, बस ऐसे ही। और आपको याद होगी शायद सट्टा ट्रॉफी या स्पोर्ट्स ट्रॉफी हुआ करती थी, बिल्कुल हाँ, उसके सिलेक्शन होते थे। जी अंडर 16 था शायद, मेरे ख्याल से अंडर 15 था, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अंडर अंडर 15 फिफ्टीन में, हाँ, तो उसमें भी सत्कार ट्रॉफी भी खेला मैं। तो बाद में आई है स्पोस्टा ट्रॉफी अंडर 17 या अंडर 19, ओके और उस स्पोस्टा ट्रॉफी में चार लीग मैचेस होती थी, चार टीमें होती थी, जी उपड़कर 11, ये 11, तो उस चार टीम टीम में, हाँ, चार टीम हुआ करती थी शायद आपको याद है। तो वो चार टीम में दत्तू फड़कर में सचिन तेंडुलकर जो था वो हमारे टीम का कप्तान था, वो क्या कप्तान बात था। है, हाँ, ओके तो उधर और वैसे भी हम जानते थे क्योंकि मैं बताया ना शाम के टाइम में मैं अच्छे के सर के गेट्स सर पे जाया करता था, वहां पे ना बोलिंग डालने बोलिंग जाया करता था। बाद में सर के नेट्स पे देखते थे सर भी, तो तभी सब आते थे, सचिन थे, विनोद थे, पारस था, फिर काफी दीपराज के, ऐसा बहुत सारे कोई कोई, और अभी मुझे नाम भी बराबर किसी किसी के याद नहीं किया, सब बड़े हो गए, पर वो जब मिलते हैं तो याद करता हूँ मैं, उदय भोगले था, फिर ऐसा काफी सारे क्रिकेटर, हम शाम के टाइम मिलते थे। तो सर का एक रूल था, आएगा तो आपको एक राउंड मारना पड़ता, वो ऐसा कुछ रूल था, पूरा पूरा राउंड मारना पड़ता था। तो मैं उस टाइम मारता था, दो दो तीन तीन राउंड मारता था, वो दो तीन राउंड में मारना बोले तो उस टाइम एक बड़ी बात थी, पर हम कभी ऐसा नाम के लिए नहीं करते थे। तो कर तो सचिन दत्तू फड़कर का कैप्टन, तो उस पोस्टर ट्रॉफी में, उस टाइम शायद हम लोग उसमें चैंपियन थे या कुछ हो गए थे, और उस पोस्टर ट्रॉफी में अंडर 19 में मैंने दो तीन मैच में, चार मैच में से दो तीन मैच में पांच के ऊपर विकेट निकाले थे, और मेरे को क्या दो बात मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था, और मैं डायरेक्ट अंडर 19 नॉकआउट टीम में मुंबई का सिलेक्ट हुआ। क्या बात हाँ, तो वहां से जो सिलेक्ट हुआ, हम आज तो बहुत बढ़िया दिखता है वो मोटेरा स्टेडियम, तभी वो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का, हम सब एक ही स्टेडियम के नीचे डॉर्मेट्री होती थी वहां पे, तो बिल्कुल उधर बिल्कुल रहते आठ के आठ टीम, बंगाल की टीम थी, यूपी की टीम थी, सब थी। पर वो इंसिडेंट ऐसा था, वो चार मैच, हम चार नॉकआउट मैच थे, हम फाइनल तक पहुंच गए और हम यूपी से हार गए थे फाइनल में, अंडर 19 बॉम्बे फाइनल मैच, क्योंकि सचिन जब वो दत्तू फड़कर तक था, तो बाद में जैसे नॉकआउट में हम गए थे सचिन था नहीं, सचिन वाज स्टेट वेंट टू द इंडियन, क्योंकि क्या बात है, सचिन 16 साढ़े 16 साल में इंडिया के लिए आ इंडिया गया। टीम फिर में हमारा कप्तन था मयूर कदरे, हाँ, मयूर कदरे का अंडर 19 का, और जतिन परंज का वाइस कैप्टन, ओके आचरेकर सर वाज था, मैंने तभी मैनेजर और कोच एक ही हुआ करता था, आपको भी याद रहेगा, ओके अभी वो सब ज्यादा बिल्कुल फॉर्मेलिटीज हो गई है, तो पहले एक ही बंदा सब था। तो आचरेकर सर मैनेजर और कोच थे, और हम गए अहमदाबाद टूर करने, तो हम फाइनल में यूपी के साथ हारे थे, और इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे मुझे एक भी मैच खेलने नहीं मिला ना, तो फिर हम रिटर्न आ गए बॉम्बे में, तो एक 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 नेचुरल एक दुख भी होता है ना, एक अगर आप गए एक भी मैच नहीं खेलने मिलते हैं तो एक होता है, पर तभी आपको मालूम है एक एक होता है, उसको पता नहीं हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अंधविश्वास या जो भी है, पर वो सभी मानते हैं कि अगर आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, मैं एक जगह बैठा रहूंगा तो मुझे वो उठाएंगे नहीं, उठ गया तो बोलेगा बस इधर बिल्कुल हाँ करता, बिल्कुल बैटिंग करता चला था, उठा जाना है। तो वैसा उस टाइम ऐसा कि बराबर हम पहले से लेके सब मैच जीत रहे थे, तो उस जी टाइम कोच लोग हो, मैनेजर जो भी हो, कप्तान हो, कोई भी हो, एक होता था कि हम विनिंग कोरम नहीं तोड़ना चाहते, तो वो भी सही था, क्योंकि मैं ऐसे मुझे मैं भी देखता था वही, मैं क्लब क्रिकेट में भी हम देखते थे कोई जीत रहा है तो तोड़ते नहीं थे विनिंग क्रम। तो बिल्कुल फाइनल तक क्या हो गया, वो वही टीम जीतते जा रही है, फाइनल तक आई तो बोला साला अभी तो ये टीम जीत रही है, और खुशी थी कि चलो टीम फाइनल में आई ना, एक अच्छा खुशी था एक, चलो अपनी टीम फाइनल में आई उसका है, मजा आएगा बोला। पर इत्तेफाक से वो तभी जैदी जो उस टाइम विंसन आशीष विंसन संजय जैदी, हाँ जैदी करके था ना फास्ट बोलर आशीष, आशीष जी जैदी, वही वो काफी उस टाइम बहुत धमाकूल मचाई थी, उस हर मैच में छह छह पांच पांच छह छह सात सात विकेट निकाला, ये सब। तो वो फाइनल हम हार गए, फिर बॉम्बे आ गए हम लोग, यू नो एक 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 होता है ना कि कुछ दिन बोलते हैं, तभी तो आपको मालूम है बहुत सारे कुछ कुछ दोस्त बहुत अच्छे भी होते थे, अरे वेल डन, हार्ड लक, यू नो फाइनल हार गया, तो एक एक तो गम था कि फाइनल हार गया, दूसरा ये था कि साला जी एक भी मैच खेलने नहीं मिला, मतलब अभी फिर अरे से आपको फिर से क्या है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है,
एक आपका एक ये होता है, क्योंकि आप भी की तरह नहीं कि चलो आप दो मैच परफॉर्मेंस किया आप खींच लेते हो, तभी अपने टाइम में वो सब था नहीं, बस अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको जीरो से फिर से 5 विकेट निकालो, 4 विकेट निकालो, मैच खेलो। पहले बात ये होता कि इन टीम खेलने मिलेगा कि नहीं, इन टीम मिला तो आपको अपनी जगह बनानी है, तो ये सब चीज हुआ करता था। और जब आए फिर मेहनत की, बोला चलो यार अंडर 19 में तो गए खेलने नहीं मिला, पता नहीं क्या है। बस उधर याद है मुझे वानखेड़े में एक मैच थी, और काफी तभी संदेश मफतलाल वाले लोग स्कॉलरशिप में भी बहुत जन को लेते थे, काफी याद बिल्कुल रहेगा। संदेश की एक अच्छी टीम हुआ करती थी, कुछ यस कुछ संदेश मफतलाल के 2-4 प्लेयर लेके और कुछ हम जैसे 2-4 जन जमा करके बल्लू बल्लू सर कप्तान बने हम। तभी ये कोच लोग का एक चीज बड़ा अच्छा था कि वो बच्चों के साथ खेलते और गाइड करते, अभी मुझे तो मालूम कोच लोग करते हैं, तो पहले ऐसा हुआ कर तो बल्लू सर खेल रहे थे मैच, बोला तू भी खेल रहे। और लकीली उस मैच को ऑपोनेंट खेलने के लिए संजय मांझा कर आए थे, क्या बात मांझा है, को पाकिस्तान से 200 विकेट निकाल 200 रन कुछ बनाए थे ना बना उन्होंने, क्या बना क्या तो आए थे तो हम तो हैरान हो गए सलाम भाई जब देखा, अरे बाबा ये तो इतना बड़ा प्लेयर, नाम भी बड़ा था, बोला अरे ये खेलेगा ऑपोनेंट, बोला यार ये तो मजा है, बोला ना तभी दिमाग में ये नहीं था अपने को विकेट मिले नहीं मिले ये सब नहीं था, पर मजा आएगा खेलने में, मजा आएगा बॉलिंग करने में, मजा आएगा यू नो। उस अच्छे प्लेयर के आगे खेलते आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या मजा करना है ना, तो ये सब था। और बिल्कुल कभी जिंदगी में कभी फियर फैक्टर तो था नहीं साला, क्या फियर हाँ कभी फैक्टर है था कोच का, कभी था ही नहीं फियर फैक्टर। जब RCF में खेलते थे और उस बीच सीनियर टीम के साथ प्रैक्टिस करते थे, इतने बड़े दिग्गज उधर भी सब बड़े प्लेयर ही थे, तो डर अपो आप निकल गया था। वो मांझे कर आए और मुझे याद है, मुझे पता नहीं अभी कितने को याद है कि वो मैच खेला, मैं उनको आउट हाँ किया फर्स्ट इनिंग में। मैं उस टाइम वो प्रैक्टिस मैच जैसी थी वो, मैंने फर्स्ट इनिंग में कुछ 4 या 5 विकेट निकाले थे, तो उसमें संजय मांझेकर को भी ओके आउट किया, तो देखा ऐसा। और कुछ रन किए होते हैं 30 35 40 50 पता नहीं कितने रन के, लेकिन मेरे को मिला। और बल्लू सर गाइड करते थे मिड ऑफ या मिड ऑन में रह के, क्योंकि क्या डालने का है क्या नहीं करने का है, तो ये वो एक बहुत बढ़िया वो था, ये सपोर्ट था कि वो अच्छा डर ही खत्म हो गई थी, वो डर ही खत्म हो गई थी कि जो सर ही अपने उधर है वो बता रहे हैं ये पकड़ ये डाल वो डाल, और इतने बड़े क्या जब बात है, प्लेयर आपके साथ खेल रहे हो तो आपको ये तो बोल। और उस मैच में मैं ये किया तो मेरे को संजय मांजेकर बोले, तभी तो बॉम्बे की टीम मेरे ख्याल से बॉम्बे जिम खाने में प्रैक्टिस करती है रणजी ट्रॉफी की, मुझे बराबर ओके याद है बॉम्बे जिम खाने में कुछ दिन एक एक प्रैक्टिस हो हफ्ता रहा प्रैक्टिस होता था। मैं बोला अरे तू तिकड़े तो बोलिंग करता है तो प्रैक्टिस ले जरा बॉलिंग का खेला बॉम्बे जिम में, तो बोला जी, ओके मिल ऐसा। और तभी तो संजय माने करते नहीं बोला, तभी सर ही बोले क्योंकि इतने बड़े प्लेयर है तो सर ही बोलना पड़ेगा, बोला ओके सर मैं ये तो हो गया। अरे चले गया, मैं बल्लू को बोला कि मैं बोला बोला जा, तो प्रैक्टिस को एक दिन सवेरे थी प्रैक्टिस बॉम्बे जिम की, और जब गया प्रैक्टिस देखा तो एक से बड़े बड़े प्लेयर, अरे बोला साला इसमें कहाँ बॉलिंग मिलेगा अपने को, राजू कुलकर्णी और रवि कुलकर्णी ये तो सारे सीनियर ही थे साला सब, ये लोग उधर आ रहे हैं, बोले ये लोग अनूप क्या अनूप सबनीस कौन अनूप अनुप सबनीस ना सबनीस अनूप सबनीस यस फास्ट बॉलर MP से आया था। हाँ प्रदीप कासलीवाल था, प्रदीप कासलीवाल सर थे, काफी जन उधर थे। और फिर उधर के जो दो बॉलर क्या थे उनके नाम केसी कृष्णन शशि वजीर रानी, वजीर कृष्णन रानी ये सब ये लोग भी सब है, बोले साले 15 20 तो बॉलर है मेरे को क्या मिलेगा इसमें बोले, तो सोचा ली बस फिटनेस कर रहे रनिंग कर रहे। और उस टाइम 2 3 दिन गया प्रैक्टिस को, जो भी मिला है 2 3 जन को डालने बस बॉलिंग की, बस बॉलिंग की। और उसके बाद वो बोलते ना अभी आप कुछ चीज मांगते एक अरमान होता है आपके दिल में कि कुछ चीज चाहिए, और बाद में पता चलता है 1 हफ्ता पहले आपको चीज मिल गई तो उसकी खुशी अलग थी। आ गए अचानक से एक फास्ट बॉलिंग स्कीम BCM मफतलाल फास्ट बॉलिंग स्कीम, तो उसके जो सूत्रधार थे जो कर लेके आई थी वो मकरन वैंगनकर मिस्टर मैक्स सर हम बोलते हैं जिनको, उन्होंने ये स्कीम चालू की BCM मफतलाल स्कीम पर फास्ट बॉलिंग। मैं बोला यार चलो ये स्कीम में आ गए, सिलेक्शन ट्रायल्स थे, सिलेक्शन होते थे वानखेड़े में कभी CTA में 2 3 दिन सिलेक्शन होते थे, उसमें सिलेक्ट हो गया, तो इसमें सिलेक्ट हुआ थी बाद में पता चला कि फ्रैंक टाइफून टाइसन आने वाले, वो हम बच्चों को गाइड कोचिंग करेंगे कोचिंग करेंगे सिखाएंगे। और उस बीच ऐसा हो गया कि वो पूरा हमारा जो ग्रुप था बॉलिंग का जो हमारे दो करना भाईजान जैसे ही थे सब वो सब आ गए,
जबरदस्त बन गया कोरम, बोला यार सब एक और सब कैसे दे, यंग पीढ़ी थी, सबको कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल, तो मैं बोला इतना मजा आएगा, एक अलग मजा है, बोला कि ऐसा कोई नहीं कि एक ही बंदा भूखा है अच्छा खेलने के लिए, अच्छा डालने के लिए, सभी भूखे हैं इसमें। तो जिसकी भूख बड़ी होगी वो जरूर ऊपर आएगा। बिल्कुल, तो ये सब चीज था, तो फिटनेस होती थी। और सबसे बढ़िया चीज थी उस कैंप का, एक बहुत बढ़िया चीज ये था जनरल सर, आपको मैं क्या बताऊं, कभी कभी बोलते हुए भी मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि क्या अभी बता रहा हूं मैं। उधर ना सारा फिटनेस के बाद ना सैंडविच वगैरह मिलते थे, सैंडविच क्या होते थे, सैंडविच दूध होता था, ये चीज का तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब बोला अपन जब भी प्रैक्टिस करते घर भागते अपन लोग, और ये कैंप में साला सैंडविच है खाने में, वो ना मतलब एक नया वो बोलते हैं डाइट वाला जो चीज था वो आ गया था। वो तभी तो मुझे याद है किंगर सूरत वाला भी सर थे, जेटीलाल सर थे, बल्लू सर थे, तो ये लोग ने मिलके वो सब बड़ा प्रोग्राम ये था इनका, बड़ा बड़ा प्रोग्राम ये फास्ट बॉलिंग का बनाया था स्कीम पर। बकरा सर ने, बल्लू सर, जेएनपी सर, ये सब बड़े लोग लेके काफी लोग आते थे। और ये था किंगर सूरत वाला, शायद उनको पता था वो डॉक्टर थे, ये सब उनको पता फिजियो, क्या था। फिजियो है, फिजियो है अपने। तो सारा सैंडविच हुआ करता था, कभी एक सैंडविच, ये सैंडविच, फिर वो मूंग मटकी का दूध होता था। तो सारा जैसे फिटनेस या प्रैक्टिस खत्म होती थी, सारा जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड है वो भागो अंदर ड्रेसिंग रूम में, अच्छा खा लो, स्प्रिंट था बोला उधर भी। स्प्रिंट उधर क्या जरा सर प्रैक्टिस का, जेब में हमारे पास थोड़ी पैसे हुआ करते कि साला बाहर बिल्कुल, निकल। वेरी ट्रू, ये वेरी था, ये ट्रू। मेहनत था। मतलब आज बोलते भी मतलब शर्म नहीं है इसमें, लेकिन नहीं अफसोस नहीं भी होता है कि साला कि उस टाइम नहीं वाकई कुछ नहीं था, तो भाई मेहनत तो जी जान से करते थे। बोला साला बिल्कुल, खाएंगे तो मजा आएगा। और इतना जबरदस्त वो स्कीम था फास्ट बॉलिंग का, मुझे ऐसा लगता है कि उस फास्ट बॉलिंग ऑफ स्कीम में सारे के सारे लोग बड़ा क्रिकेट खेले, 75% 80% जो बॉम्बे के लिए वो बिल्कुल पूरा बंच था, चाहे फास्ट बॉलिंग का हो, स्पिनर का हो या बैट्समैन, वो सारा बंच जो है वो एक मुंबई के लिए नया, ये बोलते ना कभी एक अवतार आते, तो वैसे स्कीम जो थी फास्ट बॉलर की एक नया अवतार थी। उसमें देखो ना हमें सलील सलील भाई, तो सलील अंकुला भाई तो इंडिया के लिए खेलते ही थे, उस बीच हमें अभी कुरविल्ला मिला, पारस बिल्कुल मामरे मिले, नीलेश कुलकर्णी मिले, साईराज बहुदुले मिले, जो इंडिया के रिप्रेजेंट किए ये लोग ने। तो ये इतने बड़े लोग हमें मिले, और काफी जो हमारे जो साथ जो थे सारे जन मुंबई सीनियर स्टेट के लिए भी खेले, मनीष पटेल था, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फैंटास्टिक बोलर, राजेश सावंत था, राजेश सावंत था उस इसमें, विनोद राघवन थे उस कैंप में, यू नो ऐसे काफी सारे बोलर थे। और एक सुरवे करके था हमारे पुराने सब दोस्त लोग, सुरवे थे, फिर काफी शेखर सुरवे, जगदाले था, पता नहीं मेरे को नाम नहीं अभी याद है, एक जगदाले रेलवे करके था, रेलवे वाला शेखर सुरवे, हाँ वो मेरे ख्याल से एक 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 इसमें था, एक सूर्य करके फास्ट बॉलर थे, फिर एक जगदाले करके था, एक संदेश देसाई करके था, ऐसी हैप्पी बॉडी, एंड ही वाज इज टू, मतलब वो दिखने में ऐसे तो वेस्ट इंडियन बॉलर है, वो देसाई के बारे में काफी हुआ था, काफी फास्ट बॉलर है मुंबई में। वाकई मैं बड़ी बात नहीं करूंगा कि हम बोलते ना कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, उस कैंप में मैंने एक से एक देखी, सलील भाई तो यही साला बोलते ना, सलील भाई का स्पीड वो देखना, और हमें मैं तो इवन राजू कुलकर्णी सर को देखा है भगत हुए अच्छे अच्छे लोगों को, तो यही यही मैदानों में, ये नहीं कि उनको उन्होंने कभी ये लिया हो, ये मैदानों में मैं देखा है अच्छे अच्छे लोगों को। तो उस कैंप में एक बहुत बड़ा फायदा हो गया, उस कैंप से जो सीखने को मिला, यानी साला एक कुछ है इसमें, और उस कैंप के कारण मुझे इंडियन आर्मी में जॉब भी मिला। क्या बात, उस कैंप में हम कैंप कर रहे थे पूरा ये था, और उस कैंप का एक ऐसा था कि दो बच्चे लोग को ऑस्ट्रेलिया लेके जाने वाले, ऐसा एक ये ओके उस होता ना कि आपको लेके जाते एडवांस ट्रेनिंग स्किल वर्क ये जो भी है जो, तो ऐसा था कि, और हमें तो कुछ ये सब उतना पता नहीं था कि हम तो बस उसी में कुछ थे कि स्कीम में है या सीखने को मिलता है सब कुछ है बस उसी में। और फिर अचानक पता चला कि एबी कुरविल्ला और मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले फॉर फर्दर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो एक चीज तो ऐसा थी कि उस टाइम तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था ये चीज सुन के, चलो अपन कभी बॉम्बे में रहते हुए कभी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठे, और अच्छा नहीं और सही बात है,
और कभी नहीं प्लेन सही में भी नहीं बात बैठे। और क्या है, हमारे हालात भी तो ऐसे नहीं थे कि हम चलो अपने खुद के पैसे से कहीं चले जाए ना। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुआ तो पहला बात तो पिताजी को पूछा मैंने, हमारे घर में एक अच्छा था कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, क्या कर रहा है, कितना ओके वीकेंड निकाल ये सब नहीं था, उनको पड़े नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, जा रहे जा हैं रहे बस यही, मगर बस उनको यही था। तो मैं बोला उसको क्या ऐसे ऐसे है, मेरे को कोई तो बोला, मुझे पता चला कि उधर बोला कि मैं जाने वाला हूँ, तो डैडी ने तो सीधा बोला अरे भाई अपने पास कहाँ पैसे, एक काम का तू जा मत, पैसे भी से नहीं है तू किधर जा रहा है। लेकिन मैं पता तो ये किसी को बताया नहीं, मैं अभी आप पूछ रहे इसलिए नहीं ये नहीं मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, नहीं, मुझे ये ये मालूम रियलिटी, ये पड़ता है। फैक्ट हाँ है, जी हाँ, लोगों तक जाना चाहिए ये बात। क्योंकि डैडी हमारे थे आरसीएफ में सर्विस करते थे, ही वॉज नॉट अ बिग ऑफिसर या क्या, वो भी एक आम आम टेक्नीशियन मजदूरी थे, हमारे उस टाइम पेमेंट भी ऐसे थे नहीं। वो बोला देख पैसे का बात है तो तू जाना ही नहीं, तू आराम से घर पे बैठ, तू तो खेलने का मजा कर। मैं बोला तुम, और नेचुरली माँ भी थी, माँ को बोला यार, हाँ बोलते अरे कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ अगर तू खेल तो खेल, तू सोच मत हो जाएगा कुछ। और मकरान सर थे, उन्होंने बोला कि हम इन दोनों बच्चों का, मफदलाल नरी कॉन्ट्रेक्टर सर, वो बोला हम इन दोनों बच्चों का स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा करके हमें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। फ्रैंक टायसन थे उधर फर्दर ट्रेनिंग के लिए, सब वहां से आए। और जहाँ मुझे याद है मालूम पड़ा जा रहा था, इंडियन ने मुझे बोला कि तुम उधर से जॉब के ऑफर जॉब के, राजेश जादव थे उधर, राजेश जादव सर, वो मतलब राजू एयरपोर्ट का सर पूरा था, तो मुझे याद है वो आए, वो बोला कि तू, मैंने ठीक है खेलता हूँ बोला। और हमें ये नहीं था दिमाग में कि आ जाना है आवाज में, जिसने पहली रोजी रोटी थी भाई बस वही अपना ढेर बना लिया, वैसा था। तो बस वैसे शुरुआत हो गई, और अच्छा था वहां गए, वहां पे मालूम पड़ा। और मुझे एक एक अच्छा था कि एबीआर हम दोनों फिटनेस वगैरह भी वहां बहुत चलती थी, भागना पड़ता था आपको ये ना 8-10 किलोमीटर ये हो, तो वो सब चीज ठीक था, वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं लोग बात करते हैं फास्ट बॉलिंग की, तो बहुत सारे बोलते हैं अरे मुझे फास्ट बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर बनना इतना आसान काम नहीं होता है ना, हम मुंह से तो निकलते अरे बहुत आसान है ये, क्या रनिंग करो ये करो वो करो, मेहनत कर, सभी बोलते हैं मेहनत करो, और फिर बच्चे आते बोलते मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेहनत कौन सी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, प्रॉपर मेहनत जो इफेक्टिव हो तो फायदा है ना, नहीं तो आप मैं भागती जा रहा हूँ और कुछ मतलब ही नहीं उस भागने का, तो भागने से मतलब भी क्या है। तो वैसे शुरुआत हुई, इंडियन में मिली नौकरी, वहां से आया ऑस्ट्रेलिया से इधर आए, फिर याद है मुझे टाटा के अगेंस्ट मैच थी हमारी टाइम शील्ड। अच्छा एक बात मैं काटूंगा आपको, ये जो टाइम शील्ड होती थी, इस टाइम शील्ड ने हमें बहुत बढ़िया बॉलर बनाया, 4 दिन की मैचेस होती थी टाइम शील्ड, 4 डेज गेम, इस टाइम शील्ड ने पूरा क्रिकेट बता दिया एक बॉलर का कि क्या होता है, क्योंकि उस 4 दिन में आपको हर तरह का बॉल मिलता है, नया बॉल, सेमी न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, हर कंडीशन में आपको बॉलिंग डालने मिलती है, जो मुझे बिल्कुल सोचता हूँ आज बिल्कुल की तारीख में फास्ट बॉलर को नहीं मिल रहा है मैचेस में, मुझे ऐसा लग बिल्कुल रहा है कि वो सही तो, सही और वो जो टाइम शील्ड था वो ड्रीम होता था खेलने का, सारे बड़े प्लेयर खेलते थे, इंटरनेशनल प्लेयर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ऐसे नहीं किसी बम्बई के, बाहर के स्टेट भी कॉर्पोरेट में खेलते थे, तो एक वो ड्रीम, बोला यार ये तो मजा आएगा, बोला टाइम शील्ड खेलना है, और ऐसे बस खेलते गए, परफॉर्मेंस भी होता गया। और एक अचानक मैच थी टाटा के अगेंस्ट पीजे इंदु जिमखाना पे, और उस मैच को लीड करने आए रवि शास्त्री, क्या रवि बात शास्त्री है, वहां टाटा के लिए लीड कर रहे थे, और उसमें मुझे याद है टाटा की साइड बोला तो आदमी देखेगा तो बोलेगा साला इंडियन टीम है, पूरा इंडिया टीम इंडिया टीम, रवि शास्त्री सर, दिलीप वेंगसरकर सर, किरण मोरे, फिर वो महाराष्ट्र का विकेट कीपर कौन है, वो विकेट कीपर मिलिंद बैट्समैन गुंजार, था, मिलिंद गुंजा गुंजाला, गुंजार और सौरव गांगुली आया था उस मैच को, जतिन क्या बात है। परांजपे, जो राजू कुलकर्णी, एबी गुरेला, प्रसाद देसाई, हाँ और एक बॉलर प्रसाद देसाई, बड़ा सुपर बॉलर, बड़ा एक्शन, हाँ जो उनकी एक्शन थी बॉलिंग की, मतलब बोले ना ये सब जो बहुत सीनियर थे जबरदस्त, इतनी स्मूथ आके बॉलिंग डाल के, इतने स्मूथली रिदमिक आके बॉलिंग करना, उसको भी देखता था, बोला यार ये सब साले टाटा को खेल रहे, बोला और हमारी इंडोल की टीम, हमारी इंडोल की टीम भी सब थे रणजी ट्रॉफी, हम थे तभी नए नए, हम 3 बच्चे लगे थे, मैं था, राजेश गुरव था, और मुश्ताक खान हमारे लेफ्ट हैंड स्पिनर, राजेश गुरव हमारे विकेट अच्छा कीपर बैट्समैन, हम तीनों यंग, और हमारी टीम भी जबरदस्त थी, हमारे पास भी अच्छे बड़े प्लेयर थे, आपको तो याद होगा फजीउल रहमान आंध्रा के, बिल्कुल फजी रहमान, फिर आपका सोहेल अंसारी एमपी के, फिर अंजू मुतकवी,
राजू ले लेते इधर से महाराष्ट्र के, फास्ट बॉलर महाराष्ट्र के राजू ले, मेरे ख्याल से बॉम्बे से भी खेले, मेरे ख्याल से बॉम्बे तो दोनों जगह से खेले, मुंबई और महाराष्ट्र दोनों जगह, ग्रेगरी डिमोंटी फास्ट बॉलर, ये सब लोग थे। बोला ये सब लोग है, बोला भाविन राड़ा हमारे बड़े बोला सौराष्ट्र के, तो ये इतने लोग थे और हमारे टीम, और हम देख रहे। मैं बोला साला जेजे डिमांड किया, राजू ले लिए इन्होंने भी, इनके साथ अभी हम थे फर्स्ट चेंज बोलर इनके साथ। बोला यार ये तो मजा आएगा, टाटास के साथ मैच है, 4 दिन का मैच है, बोला वो धमाल आएगी। और वो मैच इतफाक से हम एकदम, मतलब उन्होंने एक ही बार बैटिंग की, याद है मुझे कुछ रवि शास्त्री ने 200 रन भी किए, 200 रन ऐसे कुछ 100 किए, और काफी उसमें उस मैच में और एक ने सेंचुरी की, उन्होंने कुछ 400-500 ऐसे कुछ रन किए थे एक ही बार बैटिंग करके। और वो मैच मुझे याद है, मैं बॉलिंग कर रहा था ओल्ड बॉल से, और मैं 4-1 विकेट निकाला था मैच में, बट आई वॉज बॉलिंग वेरी इंप्रेसिव। उनको क्या मजा आया मालूम देख के, वो देखा बोला, और मुझे बताते थे बाद में अंदर से, जो हमारे एक्स्ट्रा में बैठते थे वो बोलते, वो सदा रवि शास्त्री वो बोल रहे थे, कौन है बनता है लड़का, घोड़ा कौन है, बोला घोड़े की तरह भाग पटके डाल, सब ऐसा देख रहा हूँ शाम तक साले एक ही स्पीड में आ रहा है, ये बॉल पुराना हो नया कुछ देखता नहीं, सारा दम दम से डाल रहा है और एंजॉय कर रहा है एकदम अंदर। और एक, एक ये था मेरा एक चीज बहुत बढ़िया था कि मेरी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त पहले से, मतलब मैं हमेशा जब भी नेट्स में हो या कहीं भी हो, मेरा ऑलवेज एक थियरी होता था कि मैं मैक्सिमम 50 बॉल है तो उसमें 40 बॉल था बैट्समैन खेलने में, तो मेरी बॉलिंग का कुछ मतलब ये तो कुछ मतलब नहीं है। तो मुझे वो देखा उसने, और शाम को जब हम अंदर आए मैच बीच खत्म हुई, मेरे को ऐसा किसी को बोला, उसने बोला उसको, मुझे कोई आया एक दिन बोले कि बोला आपको बुलाया है, मैं गया तो रवि जरा हॉर्स हॉर्स बोला, बोला क्या बात है, पता नहीं उनको भी याद है कि नहीं, उनको भी होगा जरूर याद, तो जरूर होगा उनको भी ऐसे थे। तो मैं भी ऐसा, हमने पहले हम ऐसे खड़े रहते थे पीछे हाथ रखे, आपको याद रहेगा कोई भी बात के साथ पीछे एकदम अच्छा लगा ऐसा किया, मेरे को वेरी वेल बोल्ड, बोला घोड़ा है तू, घोड़ा है बोलते, प्रैक्टिस को आना 2 दिन के बाद वानखेड़े में, बॉम्बे टीम की प्रैक्टिस है तुम आने का। वो मेरे को जो बोले उन्होंने बॉम्बे टीम के प्रैक्टिस में गए, देखा सब लोग है, सब दोस्त ही थे हमारे, सचिन को तो तेंडुलकर को तो पहले से जानती थी क्योंकि नेट्स पे करते थे प्रैक्टिस, तो इतना कुछ ये तो देखा तेंडुलकर ये वो सब है। बोला यार ये तो ड्रीम है ना बॉम्बे का टीम में प्रैक्टिस करना, और तभी कुछ मालूम नहीं था कि टीम में आऊंगा कि नहीं, बॉलिंग को बुलाए बॉलिंग डालते रहता था तो सब जानते थे, अरे बोला आ जाते बॉलिंग करना, हो गया 7-8 दिन प्रैक्टिस हो गई। और रणजोफी के मैचेस थी मेरे ख्याल से बड़ौदा के साथ मैच थी, और बड़ौदा में थी तो टीम डिक्लेयर हो गई थी और टीम जाने वाली थी, मैं तो था नहीं तो कुछ मालूम नहीं मुझे। तब शाम के टाइम में तभी तो ये सब नहीं होता था ना, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता था, ऐसी तो घर पे भी फोन नहीं थे हमारे, हम बाहर जाते थे वो 1 रुपया वो है ना, तो धर्मेंद्र वाला फोन, हम धर्मेंद्र वाला फोन बोलते थे, इतने मोटे मोटे उंगलियों से घुमाते बैठो, तो वो सब ओके तो पता ही नहीं कुछ। शाम के टाइम में यार है बल्लू सर आए घर पे, वो भी कॉलोनी में रहते थे, हम भी उधर ही रहते थे, तो बल्लू सर शाम के टाइम में घर पे, और याद है बल्लू सर की मारुति 800 की रेड कलर, तो लंबा जगह बोला यार तो बोला मैं भाग भाग के गया, वहां को बोला शायद बल्लू सर आ रहे हैं, बोला तो कैसे थे बड़े प्लेयर आए थे थोड़ा घर पे, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलोनी में घर कैसा होता है, क्या को आपको आपको क्या झूठ बोलना और क्या क्या छुपाना, हमारे घर में तो ऐसे हवा चलता था यार, वो डैडी भी मस्त थे एकदम अच्छे है ना, ये एक बोलते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में आवाज रहता ही है सब ही शांत, बल्लू सर आ रहे बोले थे एकदम शांत हो गए थोड़ा सा, तो बल्लू सर आवाज दिए बंटी मम्मी तो बोला आइए अंदर आए, लेटर ऐसा हाथ में दिए, क्या बोला, बोला देखिए बोला कल टीम जा रही है बड़ौदा, तुझे बॉम्बे टीम के साथ जाना है कल बॉम्बे सेंट्रल में, बॉम्बे सेंट्रल हाँ बॉम्बे सेंट्रल से जाती रहती है ट्रेन से, बोला वहां तुझे हाँ दोपहर के टाइम में 3:30-4 बजे पहुंचना है, बॉम्बे टीम जा रही है तुझे निकलना है उनके साथ, मतलब
है कि नहीं? बोला रणजी ट्रॉफी का मैच है, रणजी ट्रॉफी का मैच है, बोला तो मैं ऐसा तो देखा, बोला लेकिन सर वो तो टीम नहीं हो। और मैंने कहा सनील कोई मैच को गया था, सनील कुछ मैच को गया इंजर्ड हो गया था, पता नहीं मुझे कुछ। तो बोला सलील नहीं, सलील भी जा रहा था, पता नहीं कोई तो कुछ हो गया था कुछ इंसिडेंट, मेरे को मतलब सलील हुआ या एबी हुआ पता नहीं कुछ, ये सब लोग तो थे उसमें, बोला सब लोग तो है, बोला नहीं शायद कोई ना कोई मैच को जाएगा, कोई कुछ कोई टूरिंग टीम आएगी किधर से, तो शायद मैंने कहा अच्छा सलील कुछ टूरिंग टीम के साथ गया, सलील गया या कौन गया मुझे नहीं याद। तो बोला बोले ठीक है, और बस वो थोड़ा सा एक होता ना कि थोड़ा देर के लिए बोला ब्लैंक हो गया, बल्लू सर ने दिया, बोला टाइम पे पहुंच जाना उधर क्योंकि ट्रेन उधर रुकती है, वो ज्यादा टाइम ही नहीं होगी। बोला हाँ सर, थैंक यू बोला उनको, बोला थैंक यू बल्लू सर, बोला और ऑल द बेस्ट किया है सर, ये ऑल द बेस्ट संभाल के, हाँ सब कुछ पूछा मुझे, सब है ना तेरे पास कपड़े भी हाँ अपने, मतलब ऐसे क्या पूछते ना बात, नॉर्मल होते। बोला नहीं नहीं सर सब यस है, कुछ नहीं बोले, बोला उधर भी मिलेंगे सब है, बोला बोला ठीक है ओके ऑल द बेस्ट थैंक। और बस ये वो चले गए घर पे बैठा। अच्छा घर पे ऐसा कुछ ये नहीं था कि सिलेक्ट हो गए थे कुछ, माहौल माहौल नहीं, ये सब नहीं था। अब क्या झूठ बोल रहा, जैसे मतलब क्या हो गया, बोला नहीं थे उधर मैच है ना, थे बॉम्बे की मैच है ना, तो उधर मतलब बोल रहे अच्छा, ठीक है ठीक है, माँ भी हाँ ठीक है। ठीक तो उनको उनको ये सब नहीं था कि हमारा घर का जा रहा है ना, क्योंकि उन्होंने हाँ कभी ऐसा, उनको गेम तो सब क्रिकेट किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, लेकिन वो ऐसा ये नहीं था ये कि ना कि जैसे अभी के जो पैरेंट लोग में है, अरे मेरा बाप रे, बेटा हाँ, क्योंकि बड़ा घर मतलब थोड़ा बड़ी बड़े घर में थोड़े नहीं ज्यादा लोग थे, चार अभी तो भाई तीन मीडिया भाई, मीडिया भी काफी सपोर्ट करता है हाँ क्रिकेटर को, और मीडिया में हाँ बहुत कुछ होता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं, माँ भी बोली ऑल द बेस्ट, तो मुझे याद है भाई मुझे छोड़ने आया था, मेरा बड़ा भाई उधर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, अरे छोड़ने तो देखा ना रवि शास्त्री चल के आ रहे, अरे बोले ये इंडिया में ये भी आ रहे चल, बोले ये ट्रेन में जाएगा तभी, मेरा भाई बोलते ये भी, बोला हाँ ये भी अभी ट्रेन से आ रहा है, कभी पता तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये ट्रेन से आ रहा है। फिर विनोद भाई आए, विनोद कामली, वो तो अब क्विंट आया वो भी अच्छा, और तभी तो 6-7 जन तो इंडिया करंट प्लेयर थे बॉम्बे टीम में, बोले क्या ये बात, सब ट्रेन में, बोला तो अपनी तो पहली ट्रेन के साथ ही है, तो जरा थोड़ा सा शाही भी, तो शाही होता ही है बंदा, मैं अभी बोलू मैं बहुत डेयरिंग से था ऐसा बोलना ये झूठ होगा, क्योंकि थोड़ा सा रहता है एक थोड़ा सा है ना सब सब पेट में, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कुछ हो गया, तो बोला कैसा क्या, बोला ठीक है चलो ओके आज तो बैठ गए, भाई को बोला अच्छा ठीक है भाई, बोला ख्याल रखना जरा, बोला बैठ गए ट्रेन में, रवि शास्त्री थे, अरे हाउ आर यू, बोला ठीक है बैठ जाओ, रवि शास्त्री बैठे सब के, समीर जी के सब आए, वैसे बैठे सवेरे पहुंच गए बड़ौदा, बड़ौदा पहुंच गए देखा तब मास्टर भी थे हमारे सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, मांझे के सर भी थे सब थे, प्रैक्टिस चालू हुई 2-3 दिन प्रैक्टिस की उधर, बस प्रैक्टिस के बाद पहले आपको याद होगा पहले वनडे हुआ करता था फिर 4 डे के मैच होते, बिल्कुल अभी तो बहुत अलग किया ना फॉर्मेट, 4 डेज अलग वनडे अलग, पहले वनडे होता था फिर 4 डेज का मैच होता था। तो मैच। मुझे हाँ तो मुझे बोला शाम के टाइम में मीटिंग हुई, मैच के एक दिन बोले मीटिंग होती है ना ऐसा ऐसा थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है अपना अपना यू नो, रहता आप भी ऐसे बैठे था, जब मैं टेबल देखा ऐसा मैं बोला साला अंदर फील के, बोले तो इंडियन टीम है साला, ऐसा थोड़ा सा एक अंदर से प्राउड फील मेरे को भी होता है, ऐसा फील यस इनके साथ बैठा है साला, साथ एकदम इंडिया प्लेयर हम उस बीच में, तभी हमारे ग्रुप में भी अच्छे अच्छे हमारे साथ के सब दोस्त थे, महेश कारंजकर, राजू सुता, सुनील मोरे, साईराज बहुदुरे था, फिर विनेश ओके कुलकर्णी था, पारस भी था, एबी था, सलील था, सब एक दूसरे को जानते थे कैंप के कारण, यू नो मोफनलाल कैंप के कारण सब एक दूसरे एक साथ मिलते थे। तो बोला और एक थोड़ा सा अपना घर घरेलूपन हो गया था, यू नो व्हेन यू नो ईच वन ऑफ देम पर्सनली, तो आपको एक 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 फीलिंग होती है यार अपने तो घर के बन गए, यानी अपने को संभाल भी लेंगे लोग, तो वो चीज था। तो उस टाइम ना एक देखा उस टाइम थोड़ा सा होता था वो सब, थोड़ा सा लोगों में केयरिंग वाला हिसाब एक होता ना ये सब होता था तभी एक अच्छा, वो आपको ईज करते थे, अरे बिंदास रहे नहीं, बिल्कुल और ऐसे ही बॉम्बे टीम को देखना अगली टीम की पड़ जाती थी, आपको फैन फील नहीं होता है, बॉम्बे के बिल्कुल प्लेयर लोग प्रैक्टिस को भी आ गए और दूसरी टीम प्रैक्टिस करते हाँ रहेंगी, वो उनकी नेट छोड़ के बॉम्बे के प्लेयर को ही देखते रहते थे, ऐसे देखते दुबे मांजरेकर, रवि शास्त्री, तेंदुलकर, विनोद कामली, समीर दिघे, सलील अंकोला, अरे बाप रे बाप ये दिग्गज सारे लोग इतने बड़े बड़े प्लेयर सारा, ये वो उनकी ऐसी हो जाती थी, तो वो आधी टीम उधर ही खलास हो जाती थी, रवि शास्त्री को देख रहे हो एक शास्त्री साहब की क्रेज था एक उसका, एक अरे पर्सनल भाई और एक पर्सनैलिटी उनकी एक अलग थी, यू नो बोलते हैं एक अलग पर्सनैलिटी थी,
कि उनको देखेगा तो आदमी हिल जाता था। तो शाम को मीटिंग हो गई, सब हो गया, सवेरे आए ग्राउंड पे आए, वो तभी बताते नहीं थे कि तुम खेल रहे हो करके, यू नो, कभी ये ग्राउंड पे बताते थे। आज तो बहुत आपको एडवांस हो गया है, आपको पहले ही कर डालते तू खेल रहे करके, यू नो, तभी वो सब नहीं था। तभी बस ग्राउंड पे सब अपने एक दूसरे से मेहनत कर रहे हैं, साला सब भाग रहे हैं। 8:45 को 8:30 बजे पेपर लेके तेंदुलकर भाई हमारे सब जगह से जमा हो गए, नाम रीड कर रहे, विशाल माड़ी लास्ट में, यू नो, 11वां तुम्हें प्लेइंग ले, सही खेलता है बाकी इतने, अरे प्लेइंग बोला तो अरे बाप रे बाप, वाह ऐसे। और तभी हमारे मैनेजर थे करसन गावरी सर, कड़ू भाई जिनको आप बोलते कोच मैनेजर होते, अरे मैं बोला सर ये क्या है, बोला तुम प्लेइंग 11 में गए, अरे मैं बोला चलो। और जब जैसे हमारी फील्डिंग के पहले 5 मिनट पहले राउंड अप हो गया ऐसा, और जब बात करते ना कि आज ये डेब्यू कर रहा है, तो जो कैप जो मैंने फर्स्ट टाइम ली रणजी ट्रॉफी, क्या बात क्या बात, तेंदुलकर वाज द कैप्टन, यू नो, तो एक 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 यादगार जो है, बोलते हैं आपके ये जो चीजें होती है वो आपके हमेशा हार्ट के नजदीक होती है, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज है आपके लिए, कि हमने उसके हाथ से कैप ली जो जिन्हें आज पूरा देश, नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर, यू नो, एज अ बिग पर्सनैलिटी, हर स्पोर्ट्स का एरा उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हर स्पोर्ट्स को, तो उन्होंने पूरा वो कम्प्लीट वो चेंज किया उन्होंने जो नजरिया है, यू नो, कि आप सिर्फ खेल से महान नहीं हो सकते, आपके और कुछ अलग अलग आपके जो क्लास और गुण होते हैं वो उससे भी बहुत माहिर है। उन्होंने देखो उनके जो क्रिकेट का जो उनका जो श्रेय है, उन्होंने कभी सर के ऊपर आया नहीं, आज भी मैं उनको देखता हूँ, मैं आज भी बहुत जन से बात करता हूँ, आज भी ऐसे बंदे कि आप भी उनके पास जाके बोलोगे अरे सचिन जरा तू ये बैट अच्छी है, कि वो आपका भी सुनेगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सलाम में, तो उसमें वो सब चीज उसमें आज भी वो क्वालिटी है। तो बोला जब ये बंदे क्या, और उसके हाथ से कैप, और फिर बस वो मेरा डेब्यू था वनडे का, वो वनडे का डेब्यू जैसे बॉलिंग जो मिली मैंने, वो मुझे याद है वनडे में मैंने 2 विकेट निकाले, और मेरे दोनों विकेट मुझे याद है, मैं शायद दोनों विकेट मैंने बाउंसर पे निकाले, मेरे फर्स्ट सेकंड का थर्ड चेंज बॉलर था, और मेरे में एक ऑलवेज एक था, तो 2 विकेट ने, अब वो मैच हार गए वनडे, बाद में 4-day मैच हुआ, 4-day मैच हम जीत गए थे। तो बस यही है मेरा रणजी ट्रॉफी का जो सफर है, कोई बड़ा नहीं है जलाल भाई, बट मैं 5-6 साल ऐसा अंदर बाहर होता था, टीम के अंदर रहता था ना 15 में, तो ज्यादा कुछ मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है, पर अंदर आने के लिए वो टीम में आने में एवरी ईयर परफॉर्मेंस होती थी, परफॉर्मेंस करता टाइम शील्ड हो, क्लब मैचेस हो, यू नो, मैं तो ये कहूंगा इधर थोड़ा ब्रेक करके आपको, कि आप तो ऑलमोस्ट इंडिया टीम में खेले हो, क्योंकि 8-9 प्लेयर इंडिया प्लेयर थे आपके उस समय में, और उस वो टीम में 11 में आके खेलना, इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज आप इंडिया खेले हो। और ऐसा था ना कि जलाल सर कि वो एक अलग ही माहौल था, मैंने पहले मुझे मालूम नहीं, मुझे अभी मैंने इतना मुझे पता नहीं अभी का रणजी ट्रॉफी का, अभी तो मैच शुरुआत होते निकलते, पहले जब भी आप रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते थे तो दोनों टीम लाइनअप होती थी विकेटों के साइड में, दोनों टीम, कभी ना कोई ना कोई चीफ गेस्ट, कोई ना कोई जो भी है चीफ मिनिस्टर हो या कोई बड़ा आदमी क्रिकेटिंग लेजेंड कोई भी आता था, वो इंट्रोडक्शन होती थी। तो वैसे जब हम ऐसे अभी मैं आपसे बात करूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, यू नो, कि एक आप बोलते ना उस यंग डेज में ले गए मुझे, तो ऐसे हम लाइन में खड़े थे, और जब मैं हम पूरी टीम ऐसे 15 जन खड़े ऐसा, और मैं ऐसे ना थोड़ा देर के लिए ऐसा साइड से ऐसा देखा, और ऐसा पूरा ऐसा मुझे दिख रहा आज भी आंखों के सामने, ये लेजेंड्स ऑल इंडिया की प्लेयर, उसमें मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अरे यार ये तो इंडियन टीम है सारा पूरा ना, तो वो चीज था, तो वो इंट्रोडक्शन होता था, सचिन इंट्रोडक्शन करा रहे, ये विशाल माड़ी, मतलब तो एक एक बड़ी चीज है वो, और बस वो शुरुआत थी, और बस खेलते गए, और एक वो था ही हमेशा एक पैशन, और सबसे पहला चीज मैं एक बात काटूंगा आपको, यू नो, वो जो एरा था हमारा जो खेलने का, आपको भी मालूम, आपको तो ज्यादा ही मालूम रहेगा, वो जो हमारा एरा था वो एरा ऐसा था ना कि उसमें सभी अच्छे थे, बिल्कुल जो फास्ट बॉलर थे ना, किसी में बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, बॉम्बे टीम की, आप कॉर्पोरेट लेवल में देखो, क्लब लेवल में देखो, हर एक ए डिवीजन से लेके बी डिवीजन के सीनियर, उस एरा में ना जितने भी फास्ट बॉलर थे ना जो अपकमिंग थे और जिनका नाम, वो सभी अच्छे थे, तो जिस बंदे को भी पहला मौका मिलेगा ना वो बंदा कैप्चर कर लेता था,
चाहे विजय मिले, दूसरे बॉलर को मिले या तीसरे बॉलर को मिले, तो वो ऐसा था कि जिसको मिल गया वो कैप्चर किया, अब तो बैठना पड़ेगा, ठप हो गया। तो मैं ये हमेशा यही कहूंगा कि डेस्टिनी होती है, बिल्कुल टाइम फैक्टर होता है, और शायद मे भी वो होगा। सिर्फ मैं बॉलिंग की बात नहीं, बैट्समैन की भी बात कर रहा हूँ। जब हमने इतने बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन देखे, आपके एरा में भी कितने बड़े बड़े बैट्समैन देखे, देख के पता चला कि ये सब खेल सकते हैं इंडिया के, ये आराम से, पर उसको बॉम्बे तक खेलने नहीं मिला, क्योंकि रिप्लेसमेंट करे किसको, क्योंकि रिप्लेसमेंट करना है, जिसको मौका मिला वही नहीं छोड़ रहे। और मेरे हमारे टाइम में तो ऐसा था कि मुझे याद है राजू कुलकर्णी का लास्ट मैच सीसीए में मेरे ख्याल से राजू कुलकर्णी खेला, यूपीआई के साथ किसके माने लास्ट मैच चुनो थे नहीं, तो हमारे साथ कौन थे, सलील अंकोला भाई थे, एबी कुरिल्ला, पारस मामरे, अभी बोले तीनों दिग्गज, सलील भाई भी दिग्गज, एबी भाई भी दिग्गज, पारस भाई भी दिग्गज, इनको जब खिलाते तीन चार चार पांच 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 छह छह विकेट निकालते, हम डेरे अब रिजर्व में, मैं हो गया एक रिजर्व में, तभी मुझे लगता है मैं फास्ट बॉलर के रिजर्व में, मुझे लगता है ऐसा था मैं। अच्छा। एक मैच के बाद में विनोद राघवन भी था फास्ट बॉलर, वो भी सारा क्लब लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में वो भी विकेट निकालता था। बिल्कुल। तो बोला अला अब ये खेल रहे हैं, अब ये लोग विकेट से अपने कहा मौका मिलेगा, तो एरा भी था, पर मजा आया। कभी ऐसा फ्रेंकली स्पीकिंग कभी ऐसा लाइफ में जेलसी नहीं थी किसके लिए, बिल्कुल क्या बात, खेलता मैंने इन लोगों को देखने को सीखने कोई इंजर हो गया, या फिर मोस्टली इंजर तो कोई नहीं होता था, सलील भाई गए थे किधर इंडिया की मैच, अभी गए किधर जोन की मैच, पारस गए किधर, तब एक आधी मौका मिल जाता, तो वो चीज में अच्छा आपको ऐसा वो मौका मिलता है ना, तो वो मजा तो है उसमें, लेकिन फिर ना आप उतने ये नहीं होते हो कि ना आपको, आप जब ड्रीम करते हो कि मुझे इसके साथ खेलना है, इसके से सीखना है, तो उस टाइम वो कभी कभी होते नहीं थे, पर जो भी मौका ऊपर वाले ने दिया या आप लोगों के, आप जैसे लोग है वैसे बहुत लोगों के आशीर्वाद या ब्लेसिंग से जो भी मौका मिला, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, और मैंने वो फिर बाद में इम्प्रेस होना नहीं होना डिफरेंट थिंग उनके ऊपर है ना, तो बस जो भी मौका मिला, कभी कोई बोला नहीं कि तूने खराब डाला या क्या किया, जो भी मौका मिला बस अपना 100% दिया हमेशा और खेलते गया। इसलिए मैं रणजी का जो माहौल था वो इतना कुछ बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, यू नो, क्योंकि पांच मैच होना, पर पांच मैच से ज्यादा छह साल में उस 15 में होना, उन माहौल में, वो एटमोसफेयर में, इट इज समथिंग। बोलते ना कि आज की तारीख में जैसा बच्चे लोग खेलने मिलता है इनको, इनको अभी कुछ नहीं मिला खेलने, तो ये लोग इनकी जो साइक चेंज हो जाती है, अरे दूसरे का खेलेंगे, हमारा कभी वैसा नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं जब उस टाइम खेल नहीं रहा था तभी मुझे दूसरे स्टेट नहीं पूछ रहे थे, काफी जनों ने मुझे पूछा था, मैं आपको नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, काफी जन मुझे बोले कि तुम ये स्टेट में आ जाओ, वो स्टेट में आ जाओ, मैं हूँ, मैं जरा कराता हूँ, पर मेरे दिमाग में ऑलवेज एक ही था, मैं आपको फ्रेंकली बता दूं ऑलवेज कि जहाँ गावस्कर सर आए, मेरे दो बहुत फेवरेट क्रिकेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ आज, दो जो मतलब जिनको हम जब बचपन से देख रहे हैं, एक कपिल देव सर और एक सुनील गावस्कर सर, तो दिमाग में था सुनील गावस्कर सर जहाँ से खेले यार क्या बात है, बोला वहीं से खेलना है, अभी बहुत जन बोलते साले तू ये स्टेट से, मतलब कभी दिमाग में आया भी नहीं, और हमेशा यही था कि नहीं यार बॉम्बे में रहा, बॉम्बे से शुरुआत हुई, अगर मिलना है तो यही से मिलेगा, नहीं मिलना है तो यही रहूंगा, यही करूंगा, बस वो चीज था, बस कभी गए नहीं, बहुत जन ने मेरे को पूछा था यार चलो आज, मतलब बॉम्बे छोड़ के मन नहीं करते, वो जो बॉम्बे के प्रति एक ऑनेस्टी होती है, एक लगन होती है जो बोलते हैं ना, वो आज भी है, नो डाउट अबाउट इट, कि आई फील प्राउड, यू नो मैं जब फील करता हूँ प्राउड, कि जब बहुत सारे बोलते हैं कि मैं बॉम्बे के लिए खेला हूँ, तो मुझे भी पूछते, तो आई फील प्राउड कि आई प्लेड फॉर मुंबई, डजंट मैटर I perform या successful नहीं हुआ, that doesn't matter, but fight out करके अपनी मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से, coaches लोग के blessing से उस जगह में पहुंचना, उससे बड़ा चीज क्या है ना, great honor है, क्योंकि रहेगा हमेशा और अच्छा भी लगता है, पर मैं कभी बोलता नहीं, मैं इसलिए बोला आपको, मैं हमेशा मैं ये चीज बोलूंगा, मेरे बारे में बात नहीं किया कभी क्रिकेट का, तो आपने पूछा ना,
मैं इतने आपको ना मेरे फील्ड हमारे क्रिकेट फील्ड बड़ी बेटी है हमारे बात में मैं वही आपकी स्टोरी सुनने में मुझे काफी मजा आ रहा है ये चल रहा है जो तो आई फील कि मैं ऐसा ग्राउंड पे फील कर रहा हूँ ड्रेसिंग रूम फील कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल से बड़ौदा ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ इन बिटवीन रवि शास्त्री से कैसा रहा आपका हाउ इज कैसे बंदे है वो ज्यादा था बोलते ना कि दैट मैन गिव्स यू कॉन्फिडेंट इतना तो मैं और प्लेयरों का बंदा था प्लेयरों का मतलब ऐसे नहीं मैं सिर्फ फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी चीज मतलब कोई आपको अगर ऐसा कुछ टोक रहा है ना कोई ओपोनेंट का कोई आएगा अरे इधर ये मत करो वो बात क्या था ये इज टू प्रोटेक्ट द प्लेयर्स दैट वाज हिज और ऐसा नहीं कि ये बड़ा प्लेयर है या इंटीम नहीं उनका मैं आज तक उनका भोजनों को कुछ कुछ प्लेयरों के भोजनों को साइड नहीं मालूम होती है ये बंदे कैसे क्योंकि हम जब टीवी में देखते लोगों को भोजन का दिमाग में ये आता है अरे ही लुक्स वेरी आकड़ू ही लुक्स ही गोई ना क्योंकि वो बोलते ना जब तक आप किसी के करीब नहीं जाते हो आपको नहीं पता चलता कौन कैसे शायद मैं भी जब कभी देखा रहेगा इन लोगों को जब नए नए जब मैं तभी था नहीं तो मुझे भी ऐसे लगता था यार ये लोग तो बहुत बड़े ये होंगे कभी बात नहीं करेंगे पर फ्रैंकली स्पीकिंग ही वॉज अ टीम प्लेयर बोलते हैं प्लेयर के लिए ज्ञान देता था इज टू टेक केयर ग्राउंड में ग्राउंड के बाहर आ गए अरे सब ठीक है ना सब है ना कैसे मतलब इतना और मुझे तो याद है ऐसा बैठा रहेगा पुस्तक उसको उनको एक अच्छी एक आदत थी शायद आप में भी रही हो आदत आप जब क्रिकेट हो पुराने तो आप लोग में एक अच्छी आदत होती है कि आप जब भी बैटिंग हुए तो आप बोलते थे लोगों को वो वैसे उनमें थे वो भी था कि देखना मेरी बैटिंग कैसे हो फ्रेंकली बताओ कैसा करो सामने वाले को लेके खेलना और नेट में भी बैटिंग का पूछता था बराबर किया ना तो उसको पता हाँ तो बोलता था मैं रवि शास्त्री इसलिए मत बोलना भैया आप लोग की भी मैंने क्वालिटी देखी मैं आपके साथ भी नेट्स में किया मुझे मालूम है आपने मुझे भी दो तीन बार पूछा था बराबर कर रहा था क्योंकि ये एक अच्छी खासी एक बहुत अच्छी चीज है आज के इसमें मैं नहीं देखता हूँ कि कोई प्लेयर ऐसी बातें करते हैं बैट्समैन या कोई की मैं बैटिंग कैसे कर रहा हूँ अभी तो ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा सा टैग मिल जाता है डेफिनेशन बड़ा आईपीएल प्लेयर हो एनडीएफबी प्लेयर हो तो आप केयर नहीं करते क्या पूछना है इसको ये क्या मुझे बताएगा ना अभी ऐसी साइक हो गई है बहुत जनों तो वो रवि शास्त्री जो थे ना वो टीम के प्लेयर थे प्लेयर के लिए ज्ञान हासिल करते थे और मुझे याद है मैं मैच में रणजी ट्रॉफी के मैच में मेरे ख्याल से किधर गुजरात या सौराष्ट्र के साथ मैच तो मुझे पता बोल रहा था बिंदास बोलिंग डाल तू मस्त मलंग बंदा है बिंदास डाल सोचने का नहीं और मुझे हमेशा बोलते थे वो कि उनको मालूम है मैं शायद जब ऐसा कभी बात एक दो बार जब होती थी तो मुझे हमेशा बोलते थे मुझे अच्छा लगता है मतलब उनको पसंद था वो बोलता तेरे को साला किधर से भी बोलेगा बोलिंग डालने तो कहीं से भी डाल दे वो ऐसा बोलते थे वो हमेशा मुझे ऐसा बोलते थे कि तेरे मैं देखा बाकी बोलो तो तकलीफ होती है यू नो एंड के बाद या थोड़ा ऊपर चढ़ा हो नीचे पर मैं तेरा देखा बोला यार तू बस लेते है तेरा एक जुप जुप निकल जाता है बोला तेरे को कभी मैंने देखा नहीं कि ये दिक्कत ऐसा है वैसा है ना तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता और खैर मैं शायद उधर ही नहीं मैं क्लब लेवल पे भी खेला मैं इंडोर में भी था मैं शिवाजी पार्क जंक्शन को खेला विक्ट्री को खेला वर्ली को खेला मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं कप्तान को कि मुझे ये एंड ये वो एंड विकेट ऐसी है नीचे ऊपर नहीं भाई आए खेलने को कुछ करके बोलते ना मैदान में आए तो कुछ करके जाएंगे ये चीज होती बस गए बॉल कभी अच्छा बहुत जन ऐसे मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा ट्रेंड होता था बॉल लेके ऐसे उड़ाते थे ये बहुत अच्छा देखते थे बताता हूँ मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था इतना खेलने के बाद भी बस वो बोलते थे देख रहे बॉल देख तो अभी वो सब उड़ाते थे हम भी देखते थे मैं भी ऐसा उड़ाता था अरे सही है तो बोलता था क्या सही है इसका लेफ्ट साइड में देख पड़ता है ऐसा है राइट मैं अंदर से बोलता था साला यार ये बॉल क्यों देख रहा है बोला यार बॉल हाथ में मुझे बॉलिंग डालनी है पहली फील्डिंग है तो जल्दी विकेट करके आउट करेंगे या पहली बैटिंग है तो ज्यादा रन करेंगे उनको आउट दिमाग में ये चलता था फिर हल्लू खेलते गए ना तब पता चला कि दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टू चूज द बॉल एज अ फास्ट बॉलर हो एज अ स्पिनर हो आप जो भी है यू नो आपको वो बेसिक नॉलेज तो होनी बहुत जरूरी है जब आप बॉल हाँ कि जब आप बॉल फेंकते हो सीम ऊपर से नीचे वैसी आ रही है कि वबल होके आ रही है कभी कभी होते हैं बॉल के एक साइड का थोड़ा सा ज्यादा बाहर होता है तो ये चीज बाद में हल्लो हल्लू ये सीखा देती है और जो हम बात करते हैं स्किल की बात करते हैं स्किल सिखाई नहीं जाती आप खेल करके सीखते हो
बिल्कुल। रवि शास्त्री का यही था कहना, वो बता जब भी आओ तुम एंजॉय करो, तुम जो चीज कर रहे हो ना बोला उसको एंजॉय करो, उस चीज को अगर तुम्हारे पास लगन होगी तो तुम एंजॉय करोगे, नहीं तो तुमको मैं बोलूंगा तुम करो और तुम बस कर ही रहे हो पर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, पर तुम कर रहे हो 2 घंटा पर तुम्हें मजा नहीं आ रहा था, फिर वो मजा नहीं उस चीज का। वो बोला व्हाट एवर यू डू यू शुड एंजॉय, तो वो चीज था उनका। और बस, और उनको तो हम देखते थे, वो साला बोल के बैटिंग जाते थे, वो बोलते थे साला, बोलते ना जो जैसे लोग बोलते क्या बम्बई क्या खड़ूस खड़ूस होना चाहिए, तो उनको देखा मैं बैटिंग। और मुझे याद है वो जब वो कप्तान थे, हम 8 साल के बाद जीते मेरा कैच रणजी ट्रॉफी 93-94, और उसका वो लास्ट वो मतलब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से आए थे मेरे ख्याल से, उनका नी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, नी का या सर्जरी हुई थी, तो वो खेल भी रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, तो उनको रिक्वेस्ट किया मेरे ख्याल से एमसी ने कि नहीं तू खेल, क्योंकि सचिन भी नहीं है, कोई बड़े प्लेयर है नहीं, एंड ऑल वो सब सचिन भी सब संजय था ना, सचिन नहीं था, तो उस टाइम बोला कि कोई है नहीं तो तुम तो उसको कैसे तो भी। फिर हमारे कड़ू भाई तो मास्टर ही थे, यू नो एकदम मस्त मलंग आदमी, उन्होंने भी रिशाद उनको ये बोला कि उन्होंने आ गए हो एज अ कप्तान करके मुंबई टीम में आए, और फिर उसके बाद 8 साल के बाद जब जीते उसका वो ये अलग ही था मजा, एक अलग ही मजा था वो, क्योंकि सब उस टीम में मैंने देखा सबको कुछ ना कुछ करना था, बिल्कुल, क्योंकि 8-9 साल बोले तो बहुत बड़ा गैप होता ना मुंबई जैसे टीम के लिए, 8-9 साल का गैप होता कितना बड़ा गैप है, क्योंकि लोगों की नजर हमेशा मुंबई टीम में दिखती है, ऐसा लगता है अरे चैंपियन, 1-2 साल नहीं दिया तो लोग बोलते अरे, लोग में फिर गलत चीजें मुंह से निकलती थी उस टाइम, 8 साल के 8 साल तक जीते नहीं थे, सब बोलते हैं बॉम्बे का क्रिकेट डाउन हो गया, बॉम्बे का क्रिकेट वॉज नेवर डाउन, बॉम्बे का क्रिकेट वो स्टैग्नेशन पीरियड आया था, उधर उधर क्रिकेट कभी डाउन नहीं होते, उसका क्रिकेट ना डाउन नहीं होता कभी, वो उधर थम गया था बॉम्बे का क्रिकेट, क्योंकि मे बी वो रवि शास्त्री के इसमें लिखी थी कि कोई एक हमेशा बोलते ना हम जब भी बात करते कोई भी गेम के बारे में एक सीनियर इंसान होना बहुत जरूरी है टीम में, तो मे बी दैट वाज द रीजन, एक सीनियर इंसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कप्तानशिप तो मुंह से निकलती है कैप्टन, पर कप्तान ही बोलेगा तो यू आर अ मैन ना टू हैंडल ऑल दोस बिग शिप, इतनी बड़ी जहाज है वो चला सी, वो स्टेयरिंग से थोड़ी चलाई जाती है, दिमाग भी चाहिए ना उसके लिए, तो रवि शास्त्री जी वैसे थे, और वो चीज उन्होंने वो 8 साल जब जीते और उनके आंखों में मैंने देखा कि हाउ प्राउड ही वाज व्हेन बॉम्बे वन आफ्टर 8 पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, हमने वो मैच मेरे ख्याल से बंगाल को हराया था सर वानखेड़े में, बंगाल को हमने मैच हराया था वानखेड़े में मैच थी, तो मुझे याद है आई वाज मैं उधर उस टाइम तो ऐसा था कि 12th मैन 13 तीन चार प्लेयर बाहर रहे थे, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो अंदर, अमोल था मेरे, मुझे बोलते ना कि मेरे आंखों के सामने ऐसे ऐसे प्लेयरों ने डेब्यू किया है कि दे बिकेम अ मास्टर, यू नो अमोल का डेब्यू देखा मैंने हरियाणा में रवि शास्त्री के कप्तानशिप में हरियाणा में, उसने उधर 200 कुछ किए थे, याद है तभी क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के वो बैठे थे आए थे ऐसे, क्या हो गया कुछ उनका वो जब वो आते थे देखने को टूरिंग साइड के टाइम जब ग्राउंड कंडीशन वो आए रहेंगे कुछ, तभी मैं देखा था अमोल का मैंने देखा डेब्यू, वसीम का डेब्यू देखा जो उसने, तो वो सब अच्छे अच्छे बोलते ना ऑल लवली मेमोरीज है जो हमेशा करीब है, तो रवि शास्त्री का ये चीज था कि रवि शास्त्री ऐसे इंसान थे कि वो प्लेयरों के लिए जान पे जान देते एंड कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो था वो बोलते थे बिंदास, क्योंकि फील्ड में जब तुम आते हो तो कोई बुरा करने तो नहीं आते, सबको अच्छा ही करना होता है, समटाइम इट वर्क समटाइम इट डजंट वर्क, दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट गुड और नॉट यू आर नॉट दैट, वो सब चीज था। तो ये खेलते खेलते फिर कोचिंग में कैसे आना हुआ आपका, ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन? कोचिंग में 2004-2005 ऐसा कुछ है, या 2004 या 2003 या 2004 ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से वेंकटेश्वर एकेडमी सिर्फ पहले एक ही सेंटर था, वो चर्चगेट में था, इधर ओवल मैदान है, एल्फ एकेडमी नाम था बराबर, अभी मेरे ख्याल से कुछ अलग नाम है उस टाइम हेल्थ एकेडमी उनकी ये थी, और वहां पे पहले कैंप लगते थे उनकी एकेडमीज के भी होती थी, तभी अंडर 16 कैंप वगैरह लगते थे, और मुझे याद बराबर से
वासु सर जो वासु बरंजवे सर, वो तो मैं अंडर 16 का इंडिया का कैंप भी चल रहा था और एल्फ की भी एकेडमी के वो ये थे, तो उनको कोई चाहिए था साथ, तो उन्होंने शायद किसी को बोला था मेरे घर से, दिलीप सर ही मेरे को बोले कि अरे तू काय करते हो, म्हटलं सर काय नाही, म्हटलं तू इकडे बघ ये वासु सर आहेत, वासु सर बघा, तर मेरे बोला वासु सर हा त्यांना जरा त्यांच्या बरोबर राहा हेल्प करायला, वासु सर बोला तर मी एकदम खुश हो गया, अरे बोला चला ना, हर एक का एक सब एक ड्रीम होता है कि उनके साथ थोड़ा सा रहने का, क्योंकि ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वो जो बोलते ना वो हो जाता है साला, तो उनका एक होता और उनका जो स्टाइल था कोचिंग का समथिंग इट्स समथिंग डिफरेंट है, मतलब एक अलग है उनका, उनका जो कोचिंग का मैंने देखा बहुत सारे कोचेज मैंने, बट दिस मैन वॉज इज समथिंग डिफरेंट, ये आदमी जो है वासु सर समथिंग डिफरेंट है, ये जो एक एक बोलते ना कॉन्फिडेंस लेवल देने का वो एक अलग ही था उनका, वो बुक के हिसाब की कोचिंग नहीं चलती, वो देख के पता चलता था उनको कि इस बंदे के पास क्या है, इनसे क्या लेना है, तो उनको हेल्प करना पड़ता, मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बोला चलो, तो मैं गया तो उनको मिला दोपहर के टाइम में, अरे सर अरे वो मेरे को कभी कभी सर रॉकी बोलते थे, अरे रॉकी मतलब थोड़ा सा लंबे, कभी कभी हमारी स्टाइल भी चेंज होती थी ना, कर ली हेल्थ कहीं पोनी डाल दिया स्टर डाल दिया ना, तभी वो एक होता ना कभी ना एक वो बिजनेस में आते थे कुछ ना कुछ और करते थे, हम भी करते थे, तो मेरे को बोले हाँ रॉके, अरे क्या गिटार बजाने आया क्या, मेरे को बोला पहली बार, अरे क्या गिटार बजा था क्या, मेरे को बोला मतलब नहीं सर तुम्हारा ने पार्ट होला तुमच्याकडे, अरे हाँ अच्छा 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 अरे मस्करी करतो रे उनका ना बोलने, अरे मस्करी करतो रे लिया सर, इंजीनियर के सर के पास गए, सर के साथ खड़ा हो गया, सर सर मेरे बच्चे लोग फिटनेस विटनेस कर रही है, तो मैं ऐसा खड़ा हो गया, दो तीन मिनट सर ने देखा काय नाही बिंदास तुला ते वाटतो तू जमलं नाही सर तुम्ही सांगा मला काय करायचं, मी बोलले ठीक आहे हे पोर आहेत यांचा जरा हे आता नेट उधर तभी हेल्थ में दो तीन नेट लगे रहते थे ना, तभी का नेट का जो सिस्टम होता था बहुत बढ़िया होता था, मुझे अच्छा लगता था, एक नेट होता था उसमें जो अच्छे मतलब जो थोड़े ऊपर के बैट्समैन है उधर मिडिल ऑर्डर वाले इधर ना ऐसे नेट्स होते थे, तो मैं क्या करता उस टाइम जो बैट्समैन भी आते थे वो पैडअप पे रेडी होते थे, तो उनको मैं क्या करता स्कीपिंग करवाने लगाता था बैटिंग के पहले, कमऑन बॉयज यू ऑन योर टोस, मतलब तुम नेट पे जाओ तो यही होना चाहिए कि 10 बॉल सेट होने के लिए लग रहा है, मैच में जाओगे तो पहला बॉल में आउट तो क्या करेगा मैं बोला ना, तो मेरा वो दिमाग में था मतलब ऑन टोस रेडी रहो, तो उनको स्कीपिंग करा थोड़ा सा ये एक्सेस हो गया, चल ठीक है चल अंदर जा नेट्स में, ऐसा करा कि फिर नेट से आया तो थोड़ा उनका भी ये कि मेरे को बोलते जब बॉलर लोग को जाता बॉलर लोग तू देखता था फास्ट बॉलर है बॉलिंग लगता, अंडर 16 का इंडिया कैंप भी लगा था और एल्फ के बच्चे लोग भी थे, तो सर के साथ सर ने देखा तो सर ने सर को लगता बोला चांगला इज वेरी हार्ड वर्किंग और वेरी यू नो इसको मतलब चांगला इसको समझता है, मतलब इसको मतलब ऐसा नहीं कि इज वेरी यू नो नया अच्छा है, मैं जो बोल रहा हूँ करा के ले रहे, बस वो ऐसा ऐसा सर के साथ रहे वासु सर के साथ खत्म होते थे, उनके साथ चलना था तो उनके जो बातें होती थी कॉन्फिडेंस बढ़ता, पूछते एक होता ना एक इंसान जब आप कोचिंग में हो या किसी चीज में जब आते हो आप किसी का ट्रैवल कर रहे हो आप पूछते रहते हो कि सर ऐसा करा था कहला क्या कहला पाहिजे, यू ट्राई टू फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ना, वो साथ में जाते जाते तो बस वो पूछते थे, तो उनका एक एक था उनके बोलने पे टच पे, उन्होंने बोला चंगला है बस एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोला चलो यार बोला अभी कम कंपटीशन वाला क्रिकेट तो खेल रहे थे यू नो ऐसा नहीं कि नहीं, पर क्या बोला चलो साथ में ये भी करें बस खेलते गए, और कोचिंग चालू किया उधर था, उधर के बाद जो कोचिंग चालू किया फिर मैं फिर एमसीए के कैंप्स होते थे एमसीए हाँ समर कैंप, तो मेरे को एमसीए वाले ने लेटर भेजा कि अंडर 19 का समर कैंप है डीवाई पाटिल वो करेगा क्या, वो 2006 की बात है मेरे को करेगा जाएगा, वैसे फिर शुरुआत बोलते ना यही शुरुआत थी डीवाई पाटिल में जाते थे यहाँ से रोज, फिर देखिए उधर अच्छे बच्चे थे चेंबूर से अपने डीवाई पाटिल जाओ, अभी तो बहुत बड़ा स्टेडियम हो गया, तभी वो स्टेडियम नहीं था वो बाहर के साइड हुआ करता था यूनिवर्सिटी, और हमारा पैशन एक अलग था, वो एज अ कोच करके मेरे लिए वक्त नहीं है टाइम नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा में खत्म करो, हम जब तक ग्राउंड में है स्टूडेंट थक गए तो हम थक गए, हमारे हिसाब ऐसा है
बिल्कुल मेरा हो गया टाइम, निकल जाओ मेरा वो। आज तक मैं बोझल, मुझे बोलते हैं कोई कोई पीछे से बोझल बोलते हैं, क्या है यार बस ना कितना है। पर वो है ना कि ये नहीं कि मैं इंटेंशनली करता हूँ, वो मेरा अंदर ही है। ग्राउंड में घुस गया तो अंधेरा नहीं होगा तब तक निकलते नहीं है, तो बिल्कुल पहले से आ सकती। तो वहां की ये अच्छा था, उधर बच्चे लोग को बहुत सारा कुछ सीखने मिला उस कैंप में, यू नो, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल, बैटिंग की हो, बॉलिंग की बिल्कुल हो, नेचर की हो, कैरेक्टर के, सबका एक अपना अपना डिफरेंट स्टाइल है। और उस बीच में एक मालूम अच्छा पड़ेगा ना कि पता चला कि कौन से बंदे किससे कैसा परफॉर्मेंस निकल रहा है। बिल्कुल कोई थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, कोई हंस रहा है, तो उनके साथ थोड़ा वैसे बिहेव करता था थोड़ा, कि उसे निकाले कि मैं सबको ऐसा छड़ी लेके तो नहीं बोलूंगा कि यार चुप बैठो चुप। अभी हम कितने भी बोले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब हमें समझ में आ जाता है, पर जब वेन यू आर विद द टीम, एक आपकी टीम होती है, आपका कैंप होता है, तो थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जो हल्ला गुल्ला, है ना, मस्ती खोर बच्चे, पर लोगों को नहीं पता कि वो जो मस्ती खोर बच्चे थे वो ही बड़ा क्रिकेट खेलते। इसमें वो जो होते हैं वो माहौल को रखते हैं।